तेरे को यूट्यूब पे देखनी है कि यूट्यूब के अंदर कौन कौन सी सेटिंग आती है। कोई भी एप्लीकेशन तेरे को चलानी है ना, सीखना है, तो उनके पास खुद ही एक्सप्लोर कर सेटिंग करने में। क्योंकि किसी की यूट्यूब पर वीडियो देखेगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ट्यूटोरियल पड़ेगा उसमें टाइम लगेगा। पहले अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर, जब तुझे समझ में नहीं आए तब किसी और की वीडियो देखनी है, ठीक है। अब जैसे साइन आउट, तेरे को समझ में आ रहा है साइन आउट को मतलब क्या है ना? साइन इन किया जाए, फेसबुक पे साइन इन करते हैं, वैसे फेसबुक में लॉग आउट करते हैं, वो वाला है साइन आउट, ठीक है। स्विच अकाउंट, मान के चलो यहाँ पे मल्टीपल जीमेल आईडी लॉग इन है, अभी तो मेरी एक ही मेल आईडी है। अगर मल्टीपल मेल आईडी होती तो यहाँ से स्विच अकाउंट हो जाता। तो जैसे ये वाली अकाउंट है, एक ये वाला चैनल है, एक ये वाला चैनल, तो मुझे इस चैनल से दूसरे चैनल में जाना है तो यहाँ से स्विच कर सकता हूँ। एक और मेल, एक और आईडी है, इस पर भी मैं स्विच कर सकता हूँ। ये देख रहा है, इस वाले अकाउंट से, इस वाले जीमेल आईडी से कितने चैनल है मेरे? यूट्यूब चैनल, एक ये वाला यूट्यूब चैनल है, एक ये वाला यूट्यूब चैनल है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा अकाउंट है जिसमें जीमेल आईडी ये वाली है, उसमें ये वाला अकाउंट है। तो यहाँ से तू चैनल में, अकाउंट में क्या कर सकता है, स्विच कर सकता है, ठीक है। तो अभी मेरे को, अभी मैं तेरे को डेमो कर रहा हूँ इसलिए ये वाला चैनल दिखाता हूँ, ठीक। ओके, अभी जब इसके अंदर जाना है तो ये सारी चीज़ें अभी भूल जा। ये यहाँ पे तो छोटी मोटी हैं कि यहाँ चीज़ें सेटिंग, जनरल सेटिंग्स हैं ये, कि तुम अभी कौन से लोकेशन पे हो, हिंदी में देखना है कि इंग्लिश में देखना है, यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकता है, थीम वगैरह चेंजेस कर सकता है, सेटिंग वगैरह चेंजेस कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करेंगे, ये अपना मेन चीज़ है जहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं रिगार्डिंग चैनल। चैनल के रिगार्डिंग जो भी चेंजेस करने हैं वो अपन इसमें करेंगे, और यूट्यूब के रिगार्डिंग चेंजेस करने हैं वो अपन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। जैसा अभी जो यूट्यूब का जो चल तो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये ब्लैक थीम में ओपन हो रहा है, तेरा भी वाइट थीम में हो रहा होगा। ये कैसे चेंजेस किया हुआ है मैंने, ये यहाँ पे चेंजेस किए होंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है, ठीक है। ये इंग्लिश में दिखाई दे रहा है, मुझे हिंदी में देखना है या किसी और लैंग्वेज में देखना है तो बस मुझे यहाँ से स्विच ही करना है। तो ये जनरल सेटिंग है यूट्यूब की, लेकिन मुझे अपने चैनल की सेटिंग में कुछ चेंजेस करना है। जैसे मेरे यूज़र्स को क्या दिखाई दे, उस पर क्या एडवर्टाइजिंग दिखाई दे। एक दिखाता हूँ यहाँ पर, मैं एक बीट डेमो दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये सर्च किया ना, तो यहाँ पे ये चैनल सर्च हुआ, मैं किसी एक वीडियो पे जैसे क्लिक करता हूँ इस वाले पे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ये प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 30 वीडियो हैं, दिख रहे हैं, और 30 वीडियो इस वाले प्लेलिस्ट के बारे में लिखा हुआ है। ये प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के बारे में यहाँ पे लिख दिया है। फिर तो उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब जब प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक, अब क्योंकि मैं इस चैनल से लॉग्ड इन हूँ, ये मेरा ही चैनल है और मैं ही अपने चैनल को देख रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन आ रहा है। एक एनालिटिक्स का ऑप्शन आ रहा है, एक एडिट वीडियो का ऑप्शन आ रहा है। एडिट वीडियो मान के चलो इसके अंदर कोई सॉन्ग लगा हुआ है, वो सॉन्ग मुझे पसंद नहीं आ रहा, उसे चेंज करना है, या कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है। कॉपीराइट स्ट्राइक मतलब कि ये कोई सॉन्ग है वो किसी और का सॉन्ग है, तूने विदाउट परमिशन उस सॉन्ग को तूने लगा लिया है, तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। मतलब किसी का डेटा तूने कॉपी किया है, तो उसको हटाने के लिए भी तू एडिट वीडियो में जाके उसको रिमूव कर सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ मैं बताऊंगा तुझे, ठीक है, बाद में। एक सीसी कॉपीराइट होता है, कम्युनिटी कॉपीराइट, ठीक है। अगर वो तू यूज करता है तो इसका मतलब ये है कि तू उसमें कभी कॉपीराइट नहीं आएगा। कॉपीराइट भी दो टाइप के आते हैं। अगर तू एक किसी के सॉन्ग तूने लिया, मान चलो किसी ने मूवी बनाई है या सॉन्ग बनाया हुआ है, तो उसने कितनी मेहनत करके, कितना खर्चा करके उसने वो सॉन्ग बनाया होगा, क्योंकि वो उसको कमाना चाहता है। अब मान के चलो, अब तूने ही कोई अपना वीडियो बनाया और तेरा वीडियो तूने उठा के अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन अब तेरी वीडियो अच्छी लगी, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने डाउनलोड करी और मैंने डाउनलोड करके मैंने री अपलोड कर दी और कंटेंट वगैरह चेंज कर दिया। अब व्यूज़ जो तेरे पे आने चाहिए, तो व्यूज़ आ रहे हैं मेरे पे। जो अर्निंग तुझे होनी थी वो अर्निंग हो रही है मुझे, तो तू ओवरऑल तू ये बोलेगा ना कि भाई ये तूने विदाउट परमिशन मेरे को कैसे तूने, मतलब अब तू, तेरे पास दो एक्शन है कि तू क्या बोल सकता है उस सामने वाले से, क्या बोलेगा। या तो तू ये बोलेगा कि हाँ भाई यूट्यूब वीडियो तू चलाता रहा, मेरी चला रहा चला, लेकिन मुझे उसका कमीशन चाहिए, इसको बोलते हैं रॉयल्टी, ठीक है। जितना भी तू कमा रहा है उसका मुझे कुछ परसेंटेज चाहिए। या अगर वो देने से मना करता है तो उससे बोल दे भाई ये वीडियो को हटा दे, अदरवाइज मैं तेरे चैनल पर स्ट्राइक ला दूंगा। स्ट्राइक मतलब मैं यूट्यूब को बोलूँगा कि ये मेरा कंटेंट को कॉपी करके चला रहा है, और अगर ये चला रहा है तो मैं परमिशन नहीं दे रहा हूँ कि ये विदाउट मेरी परमिशन के चला रहा है। तो यूट्यूब चैनल क्या करेगा, यूट्यूब वाले उसकी वीडियो को वहाँ से रिमूव कर देंगे उसके चैनल से, और उसको एक वार्निंग दे देंगे, उसको बोलते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक।
कॉपी स्ट्राइक कितनी हो सकती है? तीन। मान चलो तुमने उस वाले को तुमने एक स्ट्राइक दे दी, उसने वीडियो उठा दी, लेकिन दूसरी बार तुमने वीडियो डाली, उसने दोबारा वही चीज़ किया, फिर दूसरी बार तुमने वार्निंग दे दी, तो यूट्यूब ऐसे मैक्सिमम तीन स्ट्राइक देता है। अगर 3 बार उसने नहीं माना और चौथी बार वो करने जाता है तो वो चैनल को बंद कर देगा परमानेंट। समझ में आ गया? तो तुम्हें बस ये चेक करना है, जब भी कोई भी वीडियो डालो तो पहली बार तो कोई हम किसी का कंटेंट कॉपी करके नहीं डालेंगे उस पर, ठीक है? क्योंकि अगर डालोगे तो यूट्यूब तुमको 3 वार्निंग देंगे। ऐसा नहीं, देखो स्टार्टिंग में तुम सीखते हो तो गलती करते हो सकता है, कुछ गाने देखो पता है वो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, कॉपीराइट नहीं है, लेकिन फिर भी कॉपीराइट आ रहा है, ठीक है? तो उसको रिमूव करने के लिए उसमें ऑप्शन आते हैं कि नहीं हाँ ये मेरे से गलती से हो गया, तो कैसे कहाँ से कहाँ कैसे क्या ऑप्शन आते हैं वो यहाँ पे सारी चीज़ आती है। जैसे यहाँ पे एक आ रहा है, एक कॉपीराइट स्ट्राइक होता है, एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होती है। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मतलब जैसे एक क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच को हम यूट्यूब पर दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है? क्यों? वो किसी और का है और वो उसमें परचेस करके रखा है स्टार स्पोर्ट वालों ने, और बोला कि वो केवल हम अपने चैनल पर ही दिखा सकते हैं। डिज्नी हॉटस्टार वालों को उन्होंने खरीदा होगा तो वो केवल हम दिखाएंगे, यूट्यूब पे दिखा नहीं सकते। तो ये कम्युनिटी गाइडलाइन है। अब कम्युनिटी गाइडलाइन पे अपन जैसे हैकिंग वाली चीज़ नहीं दिखा सकते, कोई ऐसी चीज़ जो वॉयलेंस क्रिएट करती हो, ठीक है ना, वो नहीं दिखा सकते। एडल्ट चीज़ें नहीं दिखा सकते यूट्यूब पे। अगर तुमने वो चीज़ डाली तो वो कम्युनिटी, वो कंटेंट तुम्हारा प्योर है, ठीक है? कंटेंट तुम्हारा प्योर है, तुम्हारा ही वीडियो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है। वो उन्होंने बोला है कि आप अडल्ट चीज़ें नहीं डाल सकते यूट्यूब पर, ठीक है ना? तो वो तुमको कम्युनिटी स्ट्राइक आ जाएगी। तो वो 3 स्ट्राइक, इसमें भी 3 स्ट्राइक देगा। यहाँ पे तो पड़ेगा ना, यहाँ पे सारी चीज़ लिखी हुई कम्युनिटी स्ट्राइक क्या होती है, तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो इस पर 3 लिमिट है इसकी भी। अगर वो यहाँ पे जाएगा कॉपीराइट पे, स्ट्राइक पे क्लिक करेगा कॉपीराइट पे, तो यहाँ दिखाएगा तो रिमूवल। अगर कॉपीराइट कोई आ जाती है, अभी जैसे कि दिखा रहा है नथिंग सी येट, अभी आपकी कोई भी कॉपीराइट नहीं है। अगर कॉपीराइट कोई आती है तो आपको न्यू रिमूवल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कौन सी वीडियो पे कॉपीराइट आया है तुम्हारा, उस वीडियो को तुम्हें डालना है यहाँ पे। जैसे वीडियो पर आया है कि सॉन्ग पर आया है, तुम्हें वो वीडियो सेलेक्ट करनी है, ठीक है? उसके बाद उस वीडियो की यहाँ पे लिंक डालनी है कि हाँ भाई मेरी इस वीडियो पे स्ट्राइक आई है, जो कि गलत है। क्योंकि ऐसे मान के चलो मैंने मयंक से परमिशन ली थी कि मैं उसकी वीडियो डाल सकता हूँ, लेकिन अब वो मना कर रहा है कि नहीं डाल सकता, ठीक है? तो मेरे पास पूरे लाइसेंस सारी चीज़ें, उसके बाद भी मना कर रहा है, तो इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ रही है, तो वो उसको हटाए। कौन है ऑनर, कौन है उसका कॉपीराइट का, मैं हूँ या कोई कंपनी है, तो यहाँ से पूरा एक एक फॉर्म होता है, वो अगर फिल कर देगा तो तेरी कॉपीराइट, फिर वो यूट्यूब चैनल वाले रिव्यू करेंगे, फिर वो मुझको मेल भेजेंगे, वो चेक करेंगे कि ये सही बंदा है, मतलब कॉपीराइट इस पर नहीं देनी चाहिए। मैं बोल दूंगा हाँ इस पर कॉपीराइट हटा दो, क्योंकि इसने मेरे लाइसेंस खरीदे हुए हैं, तो वो तुम्हारे चैनल से कॉपीराइट स्ट्राइक हटा देगा। लेकिन अगर वो नहीं हटाता है तो तेरे को 1 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी और वीडियो डिलीट कर देगा, अगर मैंने मना कर दिया नहीं इसने विदाउट परमिशन मेरी वीडियो यूज कर रहा है। समझ में आ गया कॉपीराइट का मतलब, ठीक है? जस्ट अ परमिशन इशू के होता है। अब यहाँ पे देखिए वीडियो चल रही है, ठीक है? यहाँ पे देखना एक चीज, ओके यहाँ पे कुछ रिमूव हुआ है। ये वीडियो खत्म हुई तो लास्ट में ये बैनर आया, ठीक है? तो इस टाइप से बैनर बैनर हम बनाते हैं लास्ट में जाके, तो थोड़ा एडवर्टाइजिंग लगे, सब्सक्राइब करो हमारा, ऐसा ऐसा कुछ मैसेज वगैरह देने उस टाइप दे सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं जो दिखाना चाह, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा, देख इसमें ये वाला साइन आ रहा है सब्सक्राइब वाला, सब्सक्राइब सब्सक्राइब का आइकन, अभी ये तेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं आ रहा होगा। अब मुझे ये वाला आइकन बाय डिफॉल्ट जितनी भी वीडियो मैं डालूँ उन सब में आना चाहिए, ठीक है? तो अभी मान चल मेरे को अभी डेली में वीडियो डालता हूँ, तो अब डेली क्या मैं ये आइकन लगाने जाऊँगा? डेली लगाने में को फिर वही बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसा कुछ हो जाए कि बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाए। कई बार होगा, तूने देखा होगा ये वीडियो की यहाँ पे कई कई लोगों की यहाँ पे फोटो लग के आती है, समझ में आ रहा है? किसी की जैसे अभी तेरी यहाँ पे फोटो लग कर आए, मेरा चैनल तो मेरी फोटो लग कर आए, किसी का ब्रांडिंग का आइकन आए, एप्पल है एप्पल की वीडियो में एप्पल का आइकन लग कर आए, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे है ना, ऑटोमेटिक कैसे होगी सारी चीज़ें? तो उसके लिए हमको ये सारी चीज़ सेटिंग कहाँ मिलती है, हमको यूट्यूब स्टूडियो में मिलती है, ठीक है? पहले यूट्यूब का ये, पहले यूट्यूब की सेटिंग में यहीं पे ऑप्शन आता था ये सारी चीज़ करने का, क्योंकि अब यूट्यूब की स्टूडियो बहुत बड़ा सेटिंग हो गई है, बहुत बड़ी, बहुत सारी चीज़ें फीचर नए नए दे दिए हैं। इसके चक्कर में इन्होंने एक नया प्रोडक्ट ही बना दिया यूट्यूब वालों ने, यूट्यूब स्टूडियो। आज से 2013 या उससे पहले की, 2016 से पहले की बात करें तो यूट्यूब स्टूडियो था ही नहीं, ये उसके बाद बाद आया अभी,
ठीक है, तो ये पूरा अलग कर दिया, पूरा डैशबोर्ड है। तो डैशबोर्ड पे क्या दिखाई देगा तुझे, जैसे अपना बट प्रेस का तूने देखा होगा, बट प्रेस का डैशबोर्ड आता है ठीक है ना, तो बट प्रेस के डैशबोर्ड में क्या दिखाई देता है, कितने पोस्ट किए, क्या पोस्ट करना है, उसी टाइप से यहाँ पे रिसेंटली बताता है कि भाई लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट, जैसे अभी मैंने कोई लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट वीडियो डाली थी तो उस पर कितने व्यूज़ आए हैं, कौन सी वीडियो रैंक कर रही है अभी ठीक है, कितने व्यूज़ आए हैं टोटल, एवरेज परसेंटेज, एवरेज लाइक कितने हैं उस पर। फिर यहाँ पे यूट्यूब वीडियो, यहाँ पे एनालिटिक्स देख सकता है, एनालिटिक मतलब एनालाइज करना है कि कौन सी कंट्री से मेरी वीडियो ज़्यादा देखे जा रहे हैं, यूएस से देखे जा रहे हैं कि इंडिया से देखे जा रहे हैं, पाकिस्तान से देखे जा रहे हैं, किस कंट्री सबसे ज़्यादा व्यूज़ देखे जा रहे हैं, तो मैं उसी के हिसाब से वीडियो डालूंगा अपने नेक्स्ट टाइम अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सबसे ज़्यादा कौन देखता है, बच्चे देखते हैं, लड़का देखते हैं, लेडीज़ देखते हैं, वुमेन देखता है, मैन देखता है, कौन देखता है, मैं उसके हिसाब से वीडियोज़ डालूँ, इससे व्यूज़ आने के चांसेस बढ़ जाएँ। समझ में आया? हाँ और क्या, बिल्कुल तभी तो वो टाइम देता है आपको, जैसे मेल देगा ना आपको, देगा टाइम, यूट्यूब टाइम देता है, पहले 30 डेज़ का था लेकिन अभी देखना पड़ेगा मुझे, अभी नई पॉलिसीज में क्या है, तो ये यहाँ पे आएगा पूरी पॉलिसी, तो यहाँ पे सारी चीज़ लिखी हुई है, पॉलिसी वगैरह पढ़ पढ़ के पता चल जाएगा ठीक है। वो टाइम में ये देगा कि या तो आप पहले आप अप्रूवल डालो यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है कि स्ट्राइक कर दिया चैनल बंद हो गया, चैनल बंद होने के बाद भी तुम यूट्यूब वाले को बोल सकते हो आपने मेरा चैनल बंद क्यों किया, क्योंकि मेरा जो स्ट्राइक आई है, आप स्ट्राइक मेरी हटाइए, जो भी वीडियो है मैं अपने साइड से डिलीट कर दूंगा। जैसे मान के चलो कोई वीडियो है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे यूट्यूब वीडियो कंटेंट में जाते हैं अपन ठीक है, कंटेंट में क्या होगा, यहाँ पे सारी वीडियो दिखाई देंगी तुझे लिस्ट में। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ एक ऑप्शन आएगा फिल्टर कॉपीराइट ठीक है, ये मैंने कॉपीराइट पे क्लिक किया, कॉपीराइट पे यहाँ पे देखना, यहाँ पे कॉपीराइट लिखा हुआ है, ये लिखा है कॉपीराइट, तो इसने कॉपीराइट क्यों दिया है, और मैंने अभी तक ये वाली वीडियो रिमूव क्यों नहीं की है, क्योंकि ये जनरल कॉपीराइट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कॉपीराइट प्रोटेक्टेड कंटेंट फ्रॉम द ऑनर अलाउज द कंटेंट टू बी यूज्ड ऑन द यूट्यूब, मतलब इसका जो ऑनर है इसके अंदर एक सॉन्ग लगा हुआ है ठीक है, लेकिन इस तो इस पर कॉपीराइट तो आई है, लेकिन ऑनर ने ये बोला है कि हाँ हम चलाने दे सकते हैं, ये किसके वजह से कॉपीराइट आया है, इसके अंदर एक सॉन्ग लगा हुआ है उसके वजह से, नहीं, ये जस्ट थीम वाला है, विदाउट लिरिक्स वाले सॉन्ग है, दिखाता हूँ। हाँ तो बताया ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अलाउ किया है ना, अलाउ किया है, अगर अलाउ नहीं करेगा तो आप पे स्ट्राइक आएगी ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले यहाँ से वीडियो डिलीट कर देना है ठीक है। अब तुमको लग रहा है नहीं यार वीडियो मेरी इंपॉर्टेंट है, मैं डिलीट नहीं कर सकता, तो तुम्हें यहाँ से डाउनलोड करनी है पहले वीडियो को और फिर डिलीट करना है ठीक है, और अगर ये भी नहीं होता तो तुमको पहले इसका एडिट डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो को प्राइवेट कर दो ठीक है, वीडियो एडिट में जाओगे यहाँ पे आता ना विजिबिलिटी, यहाँ से प्राइवेट कर दो ठीक है। ये होता है ओके। वेट, और कोई क्वेश्चन अभी? हाँ हाँ बाय डिफॉल्ट यूट्यूब करता है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, यूट्यूब ही करता है, यूट्यूब बाय डिफॉल्ट क्या कर देता है, सबको स्ट्राइक भेज ही देता है, तुझे पूरी स्ट्राइक भेजेगा, जैसे तूने वीडियो डाली, वीडियो डालते ही वो चेक करेगा कि इसके अंदर स्ट्राइक वीडियो कैसे, जब वो प्रोसेसिंग करता है ना वीडियो की, जैसे तूने अपलोड कर दी वीडियो तो अपलोड हो गई, अपलोडिंग के बैकग्राउंड में जाके वो बाद में लिख के आएगा प्रोसेसिंग, वीडियो इज अंडर प्रोसेसिंग, जब वीडियो प्रोसेसिंग करता तब वो यही चेक करता है कि वीडियो के अंदर कोई कंटेंट ऐसा तो नहीं है जो कॉपीराइट हो या अंडर गाइडलाइंस हो, मतलब वो गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा हो, जैसे मान चलो यूट्यूब पे आप भर भर के गाली वाली वीडियो नहीं बना सकते ठीक है, और लेकिन तुमने डाल दी तो आपकी वीडियो पे गाइडलाइन वाली इशू आएगा, तो वो सारी चीज़ बैकग्राउंड में चेक करता है।
अब वो चेक करेगा कि यार इसने चार वीडियो यूज की है, सबका अलग अलग पार्ट, वो भी डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के हैं, ठीक है। तो हाँ कर सकते हैं, अब वो चेक करेगा कि हाँ ये इस यूजर ने इसको अलाउ किया है कि नहीं किया है, तो वो सारी चीज़ चेक कर लेता है, खुद ही चेक कर लेता है। तो उसके साथ जैसे इसके अंदर कॉपीराइट है, इसमें देख कितनी कॉपीराइट है, दिख रही है यहाँ पे पार्शियली ब्लॉक्ड, ये देख यहाँ पे कॉपीराइट 1+ more है, दिख रहा है, इसमें एक से ज़्यादा कॉपीराइट है। इसके अंदर मैंने मल्टीपल सॉन्ग लगाए हुए हैं, चार पांच सॉन्ग मैंने लगाए हुए हैं, वो सॉन्ग मल्टीपल्स हैं, इसलिए चारों पांचों लोगों की स्ट्राइक आई है। बट कॉपीराइट कॉपीराइट आया, स्ट्राइक नहीं आया अभी, कॉपीराइट आया हुआ है। तो अभी जब तक उन लोगों ने अलाउ किया है तब तक तो वीडियो बढ़िया है, ठीक है, तब तक कोई भी तो नहीं रोकेगा। लेकिन जिस दिन उन्होंने बोला कि नहीं हमको अलाउ नहीं कराना है, तो यूट्यूब मेरे पास एक नोटिस भेजेगा बाय मेल आईडी, और यहाँ पे जैसे ये नोटिस चला ना उस टाइप से यहाँ पे मैसेज आएगा तेरे पास कि आपकी वीडियो पे स्ट्राइक आने वाली है, आप उसको हटा लीजिए वीडियो को, अदरवाइज हम चैनल को बंद कर देंगे, या फिर आप अपील कीजिए कि आपके पास कोई लाइसेंस है वीडियो चलाने का, समझा, ठीक है। कॉपीराइट हटाने का तरीका बता ही दिया, यहाँ से हटा सकता है तू, लेकिन ध्यान देना है कॉपीराइट हटाने का तरीका यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से हटा सकता है, ये पूरा पूरा सबमिट है कॉपीराइट। अगर मान चलो तुम्हारा चैनल बंद भी हो गया फिर भी तुम्हें करना है, तो यहाँ से सबमिट वगैरह तुम यहाँ से भी कर सकते हो, और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम मेरा चैनल अभी जब मेरा चलता था 2016 में, तो वो चैनल बंद हो गया था मेरा, ठीक है, तब भी यही इशू था कि पहले मैं कुछ वीडियो थी जो कॉपीराइटेड वाली वीडियो थी वो मैं यूज करता था, ठीक है, उस टाइम उधर अलाउ था, लेकिन कुछ जैसे यूजर्स जिन लोगों की मैं वीडियो यूज करता था उन लोगों ने देख लिया कि मयंक रुपये ज़्यादा कमा रहा है और रॉयल्टी हमको मिल नहीं रही है, तो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने ओपन सोर्स किए थे, ओपन सोर्स मतलब फ्री में दे रहे थे कंटेंट को, उन्होंने मेरे से डायरेक्ट बात नहीं करी है, उन्होंने सीधे बोल दी यूट्यूब को कि भाई मेरे को ये वाली वीडियो अभी कॉपीराइट लगाना है, ठीक है, मेरे को पब्लिक में यूज नहीं करवाना है, उन्होंने ऐसा कर दिया। उन्होंने जैसे ही ऐसा किया ना तो मेरे पास स्ट्राइक आ गई, और उस टाइम मैंने कोई मेल वगैरह चेक किए नहीं कि मेरे पास स्ट्राइक आ गया, अदर मैं वीडियो डिलीट कर देता मैं, और इसकी वजह से मेरा चैनल कुछ दिन के लिए बंद हो गया था, महीनों के लिए बंद हो गया था। फिर मैंने अपील की, कम से कम 3 बार अपील की मैंने, 3 बार मैंने गूगल को बोला कि भाई मेरा चैनल बैक करो, अदरवाइज मतलब जो भी गलती हो मुझे बताओ क्या है, मेरे को मेरी वीडियो चाहिए। मान चो एक वीडियो के चक्कर में मेरे पास कॉपीराइट स्ट्राइक ले आए आप, लेकिन मेरे उसके अंदर 100 वीडियो डली हूँ, 100 तो इंपॉर्टेंट थी मेरी, वो को या तो मेरे को मेरी वीडियो वापस कर दो। तो उन्होंने कुछ रिव्यू वगैरह किया, टीम ने कम से कम 2 से 3 महीने लिए रिव्यू करने में, और उन्होंने मेरा चैनल वापस कर दिया विथ सारी वीडियोज़ के साथ, और उसके साथ जितने भी कॉपीराइट वीडियोस थी वो सारे स्ट्राइक भी हटा दी, समझा, ओके, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ दिख रहे हैं, ये फिल्टर हैं, इनको बोलते ये अभी तक डैशबोर्ड तो समझ में आ गया, डैशबोर्ड पे सारा रिव्यू आता है, ओवरव्यू आता है, कंटेंट में क्या आता है, कंटेंट में ये सारी चीज़ कि जो तूने वीडियो डाली है तो इस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस पे आ रहे हैं, किस पे सबसे ज़्यादा लाइक आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर, ठीक है। कब कौन सी वीडियो कब पब्लिश की है वो सारी चीज़ यहाँ दिखाई देंगी, यहाँ से फिल्टर कर सकता है। जैसे मुझे केवल वही वीडियो देखनी है जो वीडियो क्या हो कॉपीराइटेड वाली वीडियो, तो केवल यहाँ पे कॉपीराइटेड वाली वीडियो आएंगी, ठीक है। ऐसी कोई वीडियो चाहिए जो मुझे चेक करना है कि भाई विजिबिलिटी जिसकी पब्लिक हो, केवल पब्लिक वीडियो देखनी है, यहाँ पे सारी पब्लिक वाली है, लेकिन मेरे को प्राइवेट वाली देखनी है, अनलिस्टेड वाली देखनी है, तो यहाँ से तू कर सकता है, ड्राफ्ट में क्लिक किया और ड्राफ्ट वाली दिखाई देंगी। ड्राफ्ट मतलब तूने वीडियो तो अपलोड कर दी है लेकिन अभी पब्लिक या पब्लिश नहीं किया तूने, उसको ड्राफ्ट बोलते हैं, समझ आया। अगर तुमने कोई लाइव वीडियो बनाई है जिसमें तुम लाइव आते हो तो लाइव पे क्लिक करना है, तुम्हें लाइव का ऑप्शन आ जाएगा, तो मैंने इतने बार लाइव आया हूँ तो मेरी ये लाइव वीडियोज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट अभी शायद ये वाला ऑप्शन तुम्हारे चैनल में है या नहीं वो देखना पड़ेगा, ठीक है। ये पोस्ट वाला जैसे है ना, ओके, हाँ ये पहले हर किसी को नहीं देते थे, ये कुछ 1000 सब्सक्राइबर वालों को पहले देते थे, लेकिन अब सबको शायद अलाउ कर दिया है। अब तू पोस्ट बना सकता है, जैसे किसी का एडवर्टाइजिंग करना है, यार ये वाली वीडियो बहुत अच्छी है, आप ये वाली वीडियो देखो, बीच बीच में यूट्यूब पे वीडियो में ऐड नहीं आते हैं, बताता हूँ, दिखाता हूँ 1 मिनट, हाँ, उसी टाइप से बोलते हैं हमारी वीडियो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो रिलीज हो गई है, आप वीडियो देख सकते हैं जाके इस लिंक पे क्लिक करके, हाँ बस बस, हाँ उस टाइप से अपन पोस्ट वगैरह बना सकते हैं, जैसे ये दिख रहा है ये पोस्ट बनी हुई है, तो बोला कि रियल मम्मी ऐसे करके यहाँ पे जाके वीडियो पे क्लिक करा है ना सब, ठीक है।
यहाँ पे पोल वगैरह भी कर सकता है, इमेज की पोल की कौन सी वीडियो अच्छी लग रही, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, आपको यहाँ से सजेशन वगैरह ले सकता है। ठीक है, कौन सा? हाँ, बताता हूँ बताता हूँ, उसको शेड्यूल करते हैं पोस्ट को। जैसे अपने यहाँ से एक वीडियो ली, मैं डेमो के लिए एक वीडियो ले लेता हूँ, जैसे अभी अपलोड वीडियोस पर ने क्लिक किया। ठीक है, अपलोड वीडियो पे जैसे अपलोड हुआ, यहाँ पे दिख रहा है कंटेंट ऑटोमेटिक लिखकर आ गया, तुम्हारे में लिखकर नहीं आएगा। हाँ, बताऊंगा अभी ये सारी चीज़ कैसे आई। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ डेटा आया, ठीक है, ऑटोमेटिक आ गई। ये मेरे को डिटेल फिल करके नहीं रखनी, जैसे मैं अभी कोई ऐसी प्लेलिस्ट सुना रहा हूँ जिसका कंटेंट सेम ही है, बस मुझे इसका क्या चेंज करना है, टाइटल चेंज करना है, पार्ट 1, पार्ट 2, नेक्स्ट वाली में पार्ट 2 करूँगा, नेक्स्ट वाली में पार्ट 3 करूँगा, तो मुझे क्या करना है, ये करना है। ऐसे मैं अभी जैसे यहाँ पर न्यू वीडियो पोस्टर बाय मयंक सिंह, वॉच नाउ, ऐसी कोई जनरल वीडियो मैंने डाली है और जिसका मेरे पास टाइम नहीं है कि टाइटल वगैरह लिखने का, जैसे कि मान के चलो तू लाइव आ रहा है या तू मोबाइल पर है, और मोबाइल पे इतना सारा कंटेंट लिखना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना, तो बस मुझे वीडियो अपलोड करनी है, टाइटल ये सारी चीज़ खुद ही लिख देगा ये। ठीक है, हाँ, ठीक है। अभी जैसे लिखा है रीयूज डिटेल्स लिखा हुआ है, रीयूज डिटेल मतलब ऐसी कोई वीडियो है जिसके अंदर पहले से टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तूने लास्ट वीडियो में डाला है, और सेम टू सेम कॉपी पेस्ट तुझे अपने वाले में करना है, तो यहाँ पर रीयूज पे क्लिक किया। अब इसके अंदर जैसे टाइटल लिखा होगा, जैसे मान के चलते हैं ये वाली वीडियो अपन ले लेते हैं, इसके अंदर जो भी लिखी होगी डिटेल्स, तुम्हें क्या क्या कॉपी करना है, इसके अंदर टाइटल कॉपी करना है, डिस्क्रिप्शन कॉपी करना है, प्लेलिस्ट कौन सी डालनी है, मतलब इसको किस प्ले लिस्ट में डालना है, जैसे अभी जो करंट वीडियो है वो मेरी किस प्ले लिस्ट में है, ईगल व्यू के अंदर है, अब मुझे ये किस प्ले लिस्ट के अंदर करना है वो सब देखना पड़ेगा। तो ये वाली जो वीडियो है अभी जो अपने करंट अपलोड की है वो भी ईगल व्यू वाले प्ले लिस्ट में चली जाएगी, अगर तुम्हें नहीं करना है तो इसको यहाँ से अनचेक कर दो। ठीक है, वीडियो लैंग्वेज क्या करना है, जो भी सेटिंग उसके अंदर सेट थी वो सारी चीज़ यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया रीयूज पर, ये देखो चेंज हो गया डिस्क्रिप्शन और टाइटल ऑटोमेटिकली हो गया। अब जैसे मैंने प्ले लिस्ट हटा दिया था इसलिए ये प्ले लिस्ट में नहीं आया, क्यों, प्ले लिस्ट अगर तुम्हें चेंज करना है तो प्ले लिस्ट यहाँ पर चेंज कर दो, अगर मैंने ईगल व्यू सेलेक्ट किया होता तो ईगल व्यू आ जाता, समझ आया? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो कुछ गलती की होगी, तुमने लिंक वगैरह आनी चाहिए, मेरी आती है सारी वीडियोज में आती हैं, देखो हाँ, तो एक ये देख मैंने लगाया, देख अभी लगा दिया, यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट ही किया ना यहाँ पर लिंक को, हाँ देख लेंगे अभी उसको क्या दिक्कत है। ठीक है, एक बार ज़्यादा कुछ है तो उसको स्पेस करके दोबारा सेव कर, एडिट करके और दोबारा एंटर करके सेव कर देना, उसको हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये सारी चीज़ तो हो गई, देख यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पर हैशटैग डाले हुए हैं, तो ये मस्ट डालना वीडियोज़ के बारे में, जब भी कोई भी वीडियो सर्च करेगा, वीडियो में अगर किसी ने डाला Team B Spartan तो कौन सी वीडियो आ जाएगी, मेरी वीडियो आ जाएगी सर्चिंग में, हाँ, ठीक है, यहाँ पे हैशटैग डाल लें, और नीचे यहाँ पे एक और ऑप्शन, ये थंबनेल का ऑप्शन देख, थंबनेल का मतलब जैसे कोई थंबनेल तूने बनाया है कस्टम वाला, पहले तो बाय डिफॉल्ट 3 थंबनेल आते हैं, यहाँ से तू सेलेक्ट कर लेता है, ये ऑटोमेटिक लेता है, ठीक है, लेकिन अगर तुझे चेंज करना है तो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, तो ये नया थंबनेल अपने उससे बना ले अपना कैनवा से, फोटोशूट से, और उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर दें, किस प्ले लिस्ट में डालना है वहाँ से डाल सकता है, यहाँ से न्यू लिस्ट भी बना सकता है। ठीक है, नहीं करना तो अभी आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, चैट वाले में मान के चलो ये कोई वीडियो है तुम्हारी, वो केवल बच्चों के लिए ही बनाई है हमने, केवल बच्चों को दिखाई दे, जैसे एक यूट्यूब का एक चैनल अलग एक एप्लीकेशन है यूट्यूब किड्स के नाम से, है ना, तो वाली वीडियो यूट्यूब किड्स के अंदर दिखाई देगी, और अगर तुमने अगर ये लेकिन नहीं दिखानी, हाँ नहीं दोनों पे रहेगी, किड पे भी रहेगी और यहाँ पे भी रहेगी, समझा, हाँ
और क्या, अगर तुमने यहाँ पे किड नहीं किया है, अगर नो वाला किया है तो वो किड पे कभी जाएगा ही नहीं, ठीक है? समझ आ गया? तो तुम्हारे पास स्ट्राइक आ जाएगी कम्युनिटी वाली, ठीक है ना? और यहाँ पे ये लिखा हो ना, रिस्ट्रिक्ट करना है कि 18 से ऊपर वाली भी लोग ही मेरी वीडियो देखें, तो मेरे को यस कर देना है। और मैं चाहता हूँ नहीं, कोई भी एज जनरेशन मेरी वीडियो देख सकता है, तो मेरे को नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है? सो मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा खास है नहीं अभी फीचर प्लेस को, इसको एज इट इज रहने देना। इसके अंदर जो टैग्स लिखा हुआ है, टैग्स को अपन को डालना है, जो कीवर्ड डाले थे अपन ने वो हैशटैग डाले थे हैज करके, इसमें बिना हैज के डालेंगे अपन, ठीक है? दोनों भाई हमको कंटेंट बढ़ाना है जितना अपन बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ये यूट्यूब का कीवर्ड्स है, यूट्यूब के चैनल का जब भी कीवर्ड्स अपन जो यहाँ पे सर्च करते हैं ना अपन वीडियो, यहाँ पे डालते हैं अपन ब्लॉगर, तो यहाँ पे वीडियोस आते हैं हैशटैग जो अभी इसने, अब ब्लॉगर जिस जिस चैनल के अंदर लिखा होगा वो उसके हिसाब से सर्च करके लेकर आएगा, ठीक है? ये देख यहाँ पे आ रहे हैं ना, यहाँ पे हैशटैग बन के आ रहे हैं, देख ये आ रहे हैं, वेबसाइट कैसे बनाएं, ब्लॉगर कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ किस में से आ रहा है, यूट्यूब के कीवर्ड्स में लिखा है तभी आ रहे हैं वो, समझा? ओके, कहाँ थे अभी अपन? हाँ, बस उसमें से हैज हटा देना, ठीक है? ये आपने लिख दिया, कौन सी कुछ किस कंट्री के लिए कर रहा है वो जहाँ से तू कुछ सेट कर सकता है, बाकी तू अभी इंग्लिश रहने दे, कुछ ज़रूरी नहीं है उसमें चेंजेस करने की, ठीक है? हाँ देख, अभी यहाँ पे आ रहा है स्टैंडर्ड लाइसेंस, और एक आ रहा है क्रिएटिव कॉमन्स। अगर तूने क्रिएटिव कॉमन्स कर दिया तो तेरी वीडियो कोई भी यूज कर सकता है विथाउट तेरी परमिशन के, ठीक है? अगर तू ऐसी किसी की वीडियो यूज करना चाहता है तो पहले देख लो कि उसका लाइसेंस क्या है। अगर उसका क्रिएटिव कॉमन्स है तो तू उसकी वीडियो कॉपी कर सकता है। क्रिएटिव कॉमन्स का मतलब है कॉमनली कोई भी हमारी वीडियो को यूज करे कंटेंट। बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी तूने स्टैंडर्ड किया तो कहीं ना कहीं यूट्यूब की वीडियोस में लिख कर ही आता है कि इस पे कौन, ये वाली जो वीडियो है इसकी जो वीडियो है वो कौन सा लाइसेंस है इसके पास। थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम, ओके अभी बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पे कैटेगरी डाल दो, अभी यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि वो सर्चिंग में जल्दी लेकर आए। जैसे कॉमेडी है, तुम्हारी वीडियो किसके ऊपर है, कॉमेडी के ऊपर है, एजुकेशन के ऊपर है, इंटरटेनमेंट के ऊपर है, या पर्सनल ब्लॉग के ऊपर है। जब तुझे कोई कंटेंट समझ में नहीं आया तो को पीपल के लिए डाला तो पीपल एंड ब्लॉग्स डाल दे, ठीक है? लेकिन अगर स्पेसिफिक करना है कि मैं, है ना, तो एजुकेशन डाल। यहाँ जितने कैटेगरी स्पेसिफिक करेगा उतनी चीज़ें सर्चिंग में जल्दी आएंगी, ठीक है? सो हाउ मैनी व्यूअर्स लाइक दी वीडियो, ये आता है ना लाइक, दिखाई देता है कि इसमें वीडियो में 100 लाइक किए हैं। अगर ये तुमने डिसेबल कर दिया तो यूज़र को दिखाई नहीं देगा कि इसके वीडियोज़ पे कितने लाइक अवेलेबल है, समझे? तो लाइक का बटन ही हट जाएगा, मतलब लाइक का बटन तो दिखाई देगा लेकिन इस पर ये दिखाई देगा इस वीडियो पर कितने लाइक है, ठीक है? फिर नेक्स्ट करना है अपने को, यहाँ पे आ रहा है सब टाइटल। जैसे अगर सब टाइटल तुझे ऐड करना है तो सब टाइटल ऐड कर सकता है, आते हैं वीडियो में चलते हैं सब टाइटल आते हैं, ठीक है? अगर ये वीडियो इंग्लिश में है तो ऑटो सिंक कर देना, वो ऑटोमेटिक सिंक कर लेगा। यहाँ पे बस तुम्हें वीडियो लिखनी है, दिस इज माई डेमो वीडियो, और यहाँ पे ये वीडियो आ जाएंगे। अब देखना यहाँ पे लिख कर आएगा टाइटल जो भी है ना वीडियो, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख के आते सब टाइटल क्यों होंगे। रुक जा भाई रुक जा, तो वो तुझे अलग से सॉफ्टवेयर से करना पड़ेगा। अभी ये इसके बाद सिंपल के लिए जिसमें आ रहा है ना ऑटो ऑटो सिंक किया है, तो वो खुद ट्राई करेगा सिंक करने की। अब मशीन है, जितना कर पाए ये कर देगी वो, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे तुझे कंटेंट लिखना है यहाँ पे, और बाकी तो यहाँ पे जब करेगा ना, यहाँ पे पॉज यहाँ पे आ रहा है, तो हाँ यहाँ पे मुझे क्या बोलना है, तो यहाँ पे लिखना है तुझे कि यहाँ पे लिख के आ रहा है कितना मिनट है, किस मिनट पे क्या दिखाना है, वो सारी चीज़ तो यहाँ से सिंक कर सकता है, ठीक है? ओके, यहाँ पे म्यूजिक वगैरह है, बताता हूँ मैं अभी, डिस्कार्ड चेंजेस, वापस से जाते हैं इम्पोर्ट वीडियो,
ये क्या होता है, एंड एड एन एंड स्क्रीन, इसको बताता हूँ मैं, एड एंड स्क्रीन मतलब वीडियो के जब ख़त्म होगी तो एंड स्क्रीन हो गई, तो एंड स्क्रीन में लास्ट में जाके क्या दिखाना है हमें, जैसे एक वीडियो ओपन करते हैं अपन, हाँ एंटी गीता ये वीडियो चल रही है, अब देख यहाँ पे ये वीडियो चैनल चल रही है, यहाँ पे देख सब्सक्राइबर का ऑप्शन आ रहा है लिख के सब्सक्राइबर का, और जैसे ही मैं इस आइकन पे हॉवर कर रहा हूँ तो ये अगर क्लिक करूँगा सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी देख यहाँ पर एक और चीज़ ये होता आई आइकन दिख रहा है, आई पे क्लिक करेगा तो आई बटन पे देख यहाँ पे वो जो वीडियो होती है ना वो वीडियो की लिस्टिंग आ जाएगी, शायद इन्होंने आई बटन में भी कुछ दिया नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है मैं बताता हूँ कैसे देते हैं भाई, बता रहा हूँ अभी एक मिनट, ये वाला नहीं है मेरे वाले में होगा शायद, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन यार जब भी वीडियो एंड होती है ना तो वीडियो के एंड में लिस्ट बन के आती है, दिखाता हूँ कैसे आती है, यहीं पे दिखा देता हूँ, जैसे इंपोर्ट फ्रॉम वीडियो या एड एड करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है इस टाइप से आता है ना, वीडियो ख़त्म होती है तो तुम्हें कैसा दिखाना है लास्ट में जाके, अब लास्ट में कब दिखाना है तुम्हें, कितने सेकंड में जाके दिखाना है, जैसे मुझे यहाँ पे दिखाना है केवल इतने सेकंड में जाके, और क्या दिखाना है मुझे वो यहाँ से आ जाएगा, तुम्हें जैसे एक वीडियो दिखानी है, एक प्लेलिस्ट दिखानी है, एक सब्सक्राइबर दिखाना है, ठीक है केवल दो वीडियो दिखानी है, जैसे आता है ना यहाँ पर एक वीडियो सबके आती है, एक वीडियो इधर सबके आती है, ठीक है यहाँ सब्सक्राइबर मतलब यहाँ पर तुम्हारा चैनल का आइकन लग कर आएगा, यहाँ पर एक वीडियो लग कर आएगी, तो तुम्हें कौन सा दिखाना है वो तुम्हें चूज़ करना है, अब मैंने चूज़ कर लिया ये वाला, तो यहाँ से ऐसे आएगा दिख रहा है वीडियो के ऐड में, ये वाली फ़ोटो यहाँ पर लग कर आएगी, इसको तू एडजस्ट कर सकता है कहीं पर भी, इसको भी तू एडजस्ट कर सकता है, यहाँ पर लगा दे लास्ट में जाके ऐसे वीडियो दिख रही, अब यहाँ पे आ रहा है प्लेलिस्ट, यहाँ पे कौन सी प्लेलिस्ट आए तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता है प्लेलिस्ट को तू, कि मुझे ये वाली प्लेलिस्ट दिखानी है, ठीक है कि भाई ये वाली वीडियो देख लो यार, अब बेस्ट व्यूअर, बेस्ट व्यूअर मतलब अभी यहाँ पे कोई वीडियो है नहीं, वो मेरे चैनल को खुद ही चेक करेगा कि मेरे चैनल पे सबसे बेस्ट वीडियो कौन सी है, जो भी बेस्ट वीडियो होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ला देगा, ठीक है लेकिन नहीं मुझे स्पेसिफिक करना है, तो यहाँ पे चूज़ स्पेसिफिक किया, चूज़ स्पेसिफिक करके मुझे केवल ये वाली वीडियो दिखानी है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये वाली वीडियो ही लग कर आएगी, ठीक है मोस्ट रिसेंट अपलोड वाली करनी है, जब भी मैं कोई भी रिसेंटली अपलोड वीडियो करूँगा ऑटोमेटिक यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी, ठीक है इनको तू आगे पीछे कर सकता है यहाँ से, कि नहीं पहले ये वाला दिखाई दे फिर उसके बाद प्लेलिस्ट दिखाई दे, दिखाता हूँ ठीक है, अब जैसे मैंने वीडियो चालू करी, अभी देख वीडियो में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, केवल एक ही वीडियो दिखाई दे रही है, प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, जैसे ही वीडियो चलेगी सब्सक्राइबर का आ जाएगा, अभी उसके बाद मोस्ट वीडियो आ जाएगी, आ गया, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती हैं, ठीक है अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ, अभी इसके अंदर वापस से एडिट एलिमेंट, यहाँ पे तो एलिमेंट लेगा ना तो यहाँ से और भी एलिमेंट ले सकता है, और भी चीज़ें यहाँ से ऐड कर सकता है, तो ठीक है मान चल तुझे को दो चार वीडियो और लगानी है, लेकिन इस पर चार चार एलिमेंट मैक्स लगाएगा तो सही रहेगा, ठीक है ना, जो ज़्यादा भर देगा पेज तो वो समझ ही नहीं पाएगा, यूज़र को भी दिक्कत आएगी, यार है प्रमोट रिलेटेड ड्यूरिंग योर वीडियो लगा रहा है, प्रमोट रिलेटेड वीडियो ये क्या है, एड कार्ड्स दिख रहा है, आई आइकन दिख रहा है, तो यहीं से वीडियो ऐड होती है, हाँ तो जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे वीडियो पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने ये वाली वीडियो दे दी, ठीक है तो देख यहाँ पे आ गया आई आइकन पे वीडियो बन के, अब मुझे देखना ये तो यहाँ पे लेकर आया, अब मुझे इसके बाद 5 सेकंड बाद फिर से एक और वीडियो दिखानी है, तो मुझे वापस से कार्ड पे क्लिक करूँगा, अब मुझे चैनल किसी और का चैनल प्रमोट करना है या अपना ही दूसरा चैनल है उसको प्रमोट करना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा चैनल का नाम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारे कारीगर, और ये मेरे को ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइबर को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, इसके अंदर मैंने कस्टम मैसेज लिख दिया, यहाँ पे अपना मैसेज लिख दिया, टीजर टेस्ट कर देना, और यहाँ पे आ जाएंगी वीडियो, आ गई यहाँ पे देख, तो ऐसे अपन क्या करते हैं आई आइकन पे वीडियो लगाते हैं, ठीक है
ये अपन को करना जरूरी है अगर आपको अपनी वीडियो रैंक करानी है तो। ठीक है, अब देख यहाँ पे वो चेक एक, हाँ रैंक पड़ती है ना, क्योंकि मान चलो उसने पूरी वीडियो देख ली, अब उसको समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी वीडियो देखूँ, सजेशन में तुमने दे दिया ये वाली वीडियो देख लो, ये वाली भी बहुत अच्छी लोगों ने पसंद की है, तो उस पर क्लिक करके वो देख लेगा ना वाली वीडियो पे, चांसेस तो बढ़ जाएंगे ना वीडियो पे क्लिक करने के। और जब वीडियो पे क्लिक कर दिया मतलब तो यदि वीडियो विजिट करेगा वो, विजिट करेगा मतलब रैंक बढ़ेगी। ठीक है, अभी देख यहाँ पे वीडियो अपलोड हो गई, वीडियो का अभी क्वालिटी HD है, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया, अभी क्या बोला चेक कंप्लीट नो इशू फाउंड। इस वाली वीडियो के अंदर ना कोई कॉपीराइट स्ट्राइक है ना कोई गाइडलाइन अगेंस्ट है। ठीक है, ये वीडियो ओके है अपलोड होने के लिए। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आगे क्या लिख के आ रहा है, कॉपीराइट नो इशू फाउंड, कोई भी कॉपीराइट नहीं आया है, लेकिन जैसे ही फाउंड होगा तो यहाँ पे भी बता देगा वो। ठीक है, कुछ भी है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ रहा है प्राइवेट, प्राइवेट वीडियो करनी है, प्राइवेट करेगा तो केवल तेरे को दिखाई देगी, शेयर प्राइवेटली, जैसे मैंने तेरे को कई वीडियो तेरे को दी हैं प्राइवेट करके दी हैं, वो केवल यहाँ पे मैं मेल आईडी लिख दूंगा, जैसे तेरी मेल आईडी मैंने लिख दी यहाँ पे। ठीक है, तो अब केवल इसी बंदे को ये वाली वीडियो दिखाई देगी और मुझे वीडियो दिखाई देगी। अब मुझे केवल चार आदमी को ही वीडियो दिखानी है, तो मैं यहाँ पे केवल चार लोगों की मेल आईडी डाल दूंगा। ठीक है, x.z कहेंगे यहाँ पे msrajawat298@gmail.com, ये हो गया एक दो। ठीक है, ऐसे तो मैं मल्टीपल मेल आई डाल लिया है, तो केवल ये वीडियो किसको दिखाई देगी, केवल उन्हीं वीडियो को लोगों को दिखाई देगी जिन लोगों को तुमने ऐड किया है। ठीक है, अनलिस्टेड मतलब जिस जिस ये अनलिस्टेड, तो जैसे तूने अनलिस्टेड किया तो वीडियो तो पब्लिक होगी लेकिन किसी को दिखाई नहीं देगी, केवल उसी लोगों को दिखाई देगी जिसको तू ये कॉपी करके पेस्ट करके लिंक देगा। अगर उस आदमी ने वाली लिंक किसी और थर्ड आदमी को दे दी तो भी उस वो बंदा भी वीडियो देख सकता है। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर प्राइवेट वाले में क्या होगी, उसके पास लिंक तो आ जाएगी लेकिन अगर वो शेयर करेगा तो भी वो वीडियो नहीं देख सकता, वो पहले चेक करेगा आपको अकाउंट अपना लॉगिन करो, तभी वो जिसके पास यूट्यूब का अकाउंट लॉगिन होगा और उसकी मेल आईडी मेरी वीडियो में होगी केवल वही मेरी वीडियो दे सकता है, अदरवाइज कोई नहीं दे सकता। समझ में आ गया? ठीक है, पब्लिक, पब्लिक मतलब सीधे अपनी वीडियो पब्लिक कर दी चाहे कोई देख सकता है। सेट इंस्टेंट प्रीमियम का मतलब क्या है, प्रीमियम मतलब वीडियो तूने अपलोड कर दी, अब प्रीमियम तूने कल सुबह 12 बजे का, रात का 12 बजे लगाया, सुबह 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब भी लगाया, मान चलो मॉर्निंग में 10 बजे उठते ही वीडियो रिलीज हो जाए, 10 बजे होगा क्या, 10 बजे काउंटडाउन चालू हो जाएगा। ठीक है, तो काउंटडाउन क्या होता है, काउंटडाउन कैसा होता है, तो यहाँ पे तो अब यहाँ पे सेट एज प्रीमियम मतलब कर दिया, इसका मतलब क्या है, वीडियो अभी पब्लिक हो जाएगी, अभी हाल की हाल ही पब्लिक हो जाएगी और प्रीमियम चालू हो जाएगा 10, 9, 8, 7 ऐसे काउंटडाउन उल्टी गिनती चालू हो जाएगी और वीडियो अब चालू हो जाएगी। ठीक है, हाँ सेट एज प्रीमियम पे क्लिक करेगा तो प्रीमियम चालू हो जाएगा, नहीं वो उसको उसको शेड्यूल बोलते हैं, बता रहा हूँ अभी, अभी पब्लिक का मतलब क्या है, जैसे पब्लिक मतलब अभी ही पब्लिक हो जाएगी, तूने कोई शेड्यूल नहीं किया है, तूने पब्लिक पे क्लिक किया, पब्लिश कर दिया, पब्लिक मतलब पब्लिश हो गई, अब काउंटडाउन चालू हो जाएगा, उसमें जैसे कोई वीडियो पे क्लिक करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम दिखाई देगा 10, 8, 9, 7 जो भी है काउंटिंग दिखाई देगी और वीडियो चालू हो जाएगी। समझ में आ गया? लेकिन मुझे करना है कल सुबह 10 बजे वीडियो रिलीज हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल पे क्लिक करना पड़ेगा, शेड्यूल पे क्लिक कर, कितने तारीख को कितने बजे करना है मुझे, 30 तारीख को कितने बजे करना है मुझे, सुबह के 12 बजे, सुबह के 5 बजे, 10 बजे करना है, तो यहाँ पे मैंने 8 बजे मैंने टाइम सेलेक्ट कर लिया, 8:15 पे कर लिया। अब इसको सेट एज प्रीमियम मतलब मुझे वो काउंटडाउन दिखाना है क्या, नहीं अभी तो केवल शेड्यूल हुआ है, होता है ना कुछ वीडियो में काउंटडाउन आता है लिखकर 10, 9, 8, 7, 6, तो उसके लिए तुझे सेट एज प्रीमियम पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये करेगा तो हो जाएगा, अब उसकी सेटिंग है, अगर तुझे ऐसे अब करने की कुछ ज़रूरत है नहीं, अभी हो गया इतना करेगा पब्लिश हो जाएगा, लेकिन अभी तो काउंटडाउन कितने मिनट का रखना है तुझे, 2 मिनट का रखना है, 1 मिनट का रखना है, 5 मिनट का रखना है, वो यहाँ पे तो गया बाय डिफॉल्ट 2 मिनट का होता है। ठीक है, अगर तूने 2 मिनट का किया, अब तो देख काउंटडाउन दिखाई कैसे देगा, यहाँ देख लेते हैं कैसा दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा काउंटडाउन होएगा, लेकिन मुझे काउंटडाउन यार इसका कलर सही नहीं लग रहा, तो मैं अल्टरनेटिव ले लेता हूँ, इसका कलर कैसा है यहाँ देख ले कैसा दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन मुझे इसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा तो मैं दूसरा कर लेता हूँ।
पहाड़ वाड़ बन के आ रहे हैं देख, है ना। मेरे को मेरे चैनल में मुझे रीसेट करना पड़ेगा सिस्टम। ओके तो यहाँ पे बड़ी स्क्रीन में आराम से पहले देख लेना यहाँ पे कि मेरे को कौन सी कौन सा काउंटडाउन दिखाना है। यहाँ पे बहुत सारे काउंटडाउन प्रीव्यू यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पर जान गया इसके अंदर हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। सिनेमेटिक चाहिए, कौन सा है, हैप्पी वाला चाहिए, वो सारी चीज़ तो यहाँ से ले सकता है। रीडायरेक्ट अलाउ कीप व्यूअर इंगेज अक्रॉस द मल्टीपल इवेंट्स एड अ लाइव स्ट्रीम। ये इवेंट वगैरह लाइव इवेंट वगैरह के टाइम पर आता है। रीडायरेक्ट वगैरह कहीं कराना किस वीडियो पर तुम्हें, जैसे लाइव स्ट्रीम तो कर रहा है, लाइव वीडियो ख़त्म हो गई तो उसके बाद कहाँ पर आना चाहिए, वो सारी चीज़ इसके अंदर आती है। एड ट्रेलर में, मान चलो वीडियो का कोई ट्रेलर तेरे को पहले लगाना है वीडियो चालू होने से पहले, तो वहाँ से ट्रेलर ले सकता है। तो ठीक है, जैसे अब तेरे को ये वाली वीडियो नहीं देनी तो ये अपना वीडियो लगाना है, खुद का कस्टम वीडियो लगाना है तो अपना वीडियो भी लगा सकता है। ठीक है, अब देख यहाँ पे कस्ट वीडियो, यहाँ पे कस्टम वीडियोज है 15-3 सेकंड का, तेरा ट्रेलर चालू हो जाएगा। उसको बस सेव करना है अपने को, इतना सेव कर देगा ये चालू हो जाएगी वीडियो। ठीक, उसके बाद आज शेड्यूल पे क्लिक कर देगा, वीडियो शेड्यूल हो जाएगी और सबके पास अलर्ट मैसेज पहुंच जाएगी कि मयंक ने वीडियो, मयंक की कल 30 तारीख को 8 बजे वीडियो रिलीज होने वाली है, तो यहाँ शेड्यूल करेगा तो वीडियो शेड्यूल हो जाएगी। समझा, यहाँ से ये कॉपी किया देख, प्रीमियम लिख के आने लगा यहाँ पर पेस्ट। अभी मैं वीडियो अगर सबको दे दी मैंने, लेकिन सब कोई देखेगा, किसी को वीडियो दिखाई नहीं देगी अभी, क्यों? वीडियो शेड्यूल कब हुई है? कल के लिए हुई है। ठीक है, और ये वीडियो तक क्या की है, प्राइवेट वीडियो की हुई है, और जो प्राइवेट वीडियो को मुझे पब्लिक करनी है तो कैसे करूँगा मैं? यहाँ पर जाते हैं वापस सेटिंग में, वापस से यहाँ पे एडिट कर लेते हैं। एडिट में जाके ये विजिबिलिटी प्रीमियम है, अभी है प्रीमियम में अपन ने पब्लिक नहीं किया, क्योंकि अभी अभी वीडियो यहाँ पे पब्लिश शेड्यूल किए, जब जैसे वो पब्लिक हो जाएगी ना, क्या बोलते हैं, अरे वीडियो पब्लिश हो जाएगी ऑटोमेटिक, अभी पब्लिक नहीं है ना इसलिए वो प्राइवेट लिख के आ रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा ये। ठीक है, पब्लिश। अभी अपने को यहाँ पे प्लेलिस्ट में ऐड करना है वापस से, तो प्लेलिस्ट वगैरह में ऐड कर सकते हैं। यहाँ आ रहा है, यहाँ पे तो अभी तूने एंड स्क्रीन वगैरह लगाए, वो एंड स्क्रीन यहाँ पे आ जाएंगे। कार्ड्स वगैरह दोबारा एडिट करने हैं तो यहाँ से एडिट कर सकता है, कार्ड्स वगैरह जो अपन ने की थी आई आइकन पर। ठीक है, ये एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स में क्या होता है, जो भी वीडियो हाँ वो सारी चीज़ यहाँ पर दिखाई देगी, कितने वॉच आवर आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर आ रहे हैं, यहाँ से टाइम वगैरह सेट कर चेक कर सकते हैं। मुझे केवल लास्ट 24 घंटे के अंदर देखना है कि लास्ट 24 घंटे में कितने लोगों ने मेरी वीडियो देखी। ठीक है, ये आ रहा है एडिटर का ऑप्शन आ रहा है। अब मेरी वीडियो में कोई सॉन्ग नहीं लगा हुआ है, या कोई सॉन्ग लगा हुआ है मुझे सॉन्ग हटाना है, तो यहाँ से तू कर सकता है सॉन्ग से को, वो उस टाइप से बॉलीवुड के सॉन्ग नहीं मिलेंगे, बट तुझे यहाँ से सॉन्ग यहाँ से इस टाइप के मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं, थीम वगैरह वाले सॉन्ग होते हैं ना, वो तुझे मिल जाएंगे। अब मान के चलो तेरा कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आया है, केवल इतनी सी वीडियो पे स्ट्राइक आया है, तो तुझे पूरी वीडियो उठाने की जरूरत नहीं है, केवल इतनी सी वीडियो को ट्रिम कर दे। यहाँ पे ट्रिम पे क्लिक कर, प्लस पे ट्रिम एंड कट, और यहाँ पे उसको यहाँ पे जाके ट्रिम कर ले। देख, चाहे कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे कैनवा हो या तेरा यूट्यूब हो या कोई अदर एप्लीकेशन हो, ट्रिम मतलब ट्रिम। ठीक है, और उनमें सब में इस टाइप के आइकन आते हैं और यहाँ से लेफ्ट और राइट से ऐसे ही ट्रिम करते हैं, तो इसलिए एक सॉफ्टवेयर अच्छे से सीख लो, बाकी सारी चीज़ ऑटोमेटिक सीख जाएगा तू।
ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू करके देख सकता है कि हाँ भाई ट्रिम हुआ कि नहीं हुआ, अभी कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है वीडियो, अभी डायरेक्ट वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है मेरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देगा तो वीडियो सेव हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम लेता नहीं था वो सेव होने में। अब मान चलो ये वीडियो के अंदर कुछ ऐसा है, कुछ सेंसिटिव डेटा है, ठीक है, जो मेरे को ब्लर करना भूल गया, जैसे कोई पासवर्ड है, ठीक है, तो मुझे ब्लर करना है, तो यहाँ से ब्लर का आइकन दिख रहा है, तो यहाँ से तू ब्लर कर सकता है। ये तू कैनवा से भी कर सकता है, ट्राई करो कैनवा से या पहले से ही सारी चीज़ करके रख लो, अगर फिर भी कुछ छूट जाता है पब्लिक करने के बाद तुझे कुछ चीज़ याद आती है तो उसको वीडियो को डिलीट नहीं करनी है, उस चीज़ के लिए यहाँ पे एडिटर में जाके तू ये सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। वो तेरे ऊपर है तुझे क्या करना है, तुझे फेस ब्लर करना है या कस्टम ब्लर करना है। कस्टम ब्लर करेगा तो तू जितना बताएगा उसके हिसाब से ब्लर होगा, ठीक है। ये आ रहा है रेक्टेंगल ब्लर करना है मुझे, तो यहाँ पे आ गया रेक्टेंगल बन के, ये आ गया। ओवल करेगा तो ओवल हो जाएगा ये, ठीक है, इसका आइकन चेंज हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेता है प्रोसेसिंग होने में। इस टाइप से ये ओवल बन गया, ओवल हो गया ये, ठीक है। कितना साइज बड़ा छोटा करना है तो ये यहाँ से कर सकता है, ठीक है ना। अभी ये तेरे को फिक्स ब्लर पोर्शन यहाँ पे कितना ब्लर करना है वो सारी चीज़ तू कर सकता है, यहाँ से चेक कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पे ट्रिम, इसको कहाँ तक करना है इसको ब्लर, ये पूरे में करना है तो ये पूरे में कर ले इस टाइप से, तो ये सब जगह आ जाएगा ब्लर, ठीक है। अगर तूने पूरे में ब्लर नहीं किया है तो ये केवल यहाँ तक ही ब्लर रहेगा, और यहाँ इसकी वीडियो इसके बाद जाएगी तो अनब्लर हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया म्यूज़िक लगाने का, ऐड ऑडियो, यहाँ पे म्यूज़िक मिल जाएंगे तुझे, ऑडियो लाइब्रेरी है, थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में। यहाँ पे सॉन्ग चला के देख लो, ये यूट्यूब भी देता है, ठीक है। इस पर ऐड पे क्लिक करेगा, ये प्ले लिस्ट यहाँ पे ऐड हो गई यहाँ पे। अब मान चलो कोई ऐसी तेरी वीडियो जिसमें तेरी वीडियो है 30 मिनट की, ठीक है, और गाने तो केवल 2-2 मिनट के हैं, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ वापस से ऐड कर देना अपने को, और इसको जाके यहाँ पे ऐड कर देना कि ये वाला सॉन्ग यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे खत्म होगा, ये वाला सॉन्ग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर करके सारी वीडियो ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे सबका डेमो देख लेना चला चला के कि कौन सी वीडियो कौन सी है, कौन सा सॉन्ग अच्छा लग रहा है तुझे, बस समझ गया, समझा, ठीक है। डिस्कार्ड ये सेटिंग तुझे छेड़ छेड़ के देखना पड़ेगी, एक बार टेस्टिंग करना पड़ेगी, तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगा तुझे, ठीक है। एंड स्क्रीन और आइकन, आइकन मैं तेरे को पहले ही बता चुका हूँ आई आइकन वाले के बारे में, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे आ रही है ना, तो वो तू चेंज कर सकते हैं। कोई भी तेरी वीडियो पे कमेंट करता है तो तेरे सारे कमेंट तेरे को कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे दिखाई देंगे। अब ऐसे कोई कमेंट हैं जो तुझे ख़राब लग रहे हैं, तुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, तुझे वो डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकता है। तुझे ऐसे कोई कमेंट हैं जो तुझे क्या करना है, एडिट करना है, किसी का रिप्लाई देना है उस कमेंट पर, तो वो भी कर सकता है, ठीक है। मैं डेमो के लिए दिखाता हूँ, एक वीडियो ले लेता हूँ ओल्ड वाली, मैं अभी इस वीडियो को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इस वीडियो को पब्लिक नहीं करनी है। अभी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फॉलोवर पे क्लिक करेंगे और डिलीट। अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो डाउनलोड कर लो, फिर उसके बाद डिलीट करो, ठीक है, ओके। अभी मेरी कोई वीडियो लेता हूँ जिसमें कमेंट वगैरह हों पहले से ही, जा रहे कमेंट, यहाँ पे कमेंट डाले हुए हैं सब लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ अब मुझे अगर रिप्लाई देना है यहाँ से मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरी वो वीडियो है जिस पे जब मेरा चैनल हाउ टू डू डैट के नाम से पहले मेरा चैनल चलता था, वापस चालू हुआ था तो ये बैक हो गया था मेरा चैनल, ठीक है। यहाँ पे देखो अब आज यहाँ पे लिख क्या रहा है, इस वीडियो में प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ पे रिप्लाई देना था वीडियो में सारी चीज़ें, यहाँ पे सब लोग बार बार लिख के दे रहा है वो प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, तो मुझे रिप्लाई देना पड़ेगा उस वीडियो का। बस कमेंट में इतना ही है और ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ से डिलीट करना हो डिलीट भी कर सकता है, रिमूव कर सकता है, पिन कर सकता है। जैसे मान चलो किसी का लाइक तुझे अच्छा लगा, ठीक है, जैसे यहाँ ऐसा, लेकिन यहाँ पोस्ट यहाँ किया हुआ है किसका तुझे पोस्ट अच्छा लग रहा है, तो इसके जैसे कमेंट जिसका बहुत अच्छा है तो इसमें पिन कर सकता है, ठीक है, पिन हो जाएगा यहाँ पे, काफ़ी हो सकते हैं। पहले ये वाला वीडियो दिखाई दे, फिर ये वाला वीडियो दिखाई दे, कमेंट दिखाई दे, फिर ये वाला, ठीक है। सबटाइटल अपन ने बता दिया, वो सबटाइटल अगर तुमने कोई वीडियो में डाले हो तो वो डाल सकते हैं, कॉपीराइट बता दिया है। क्लिप मान के चलो इसका कोई तेरे को छोटी सी वीडियो बनानी है क्लिप वगैरह, तो क्लिप बना सकते हैं, लेकिन अभी इसमें कोई क्लिप बनाई नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है, चालू नहीं हो रहा है।
हाँ अगर उसने कम्युनिटी स्ट्राइक पे वाली नहीं है तो वो आएगी आएगी, अगर स्टैंडर्ड लाइसेंस है तो आएगी, ठीक है। लेकिन उसमें भी डुअल चांसेस होते हैं, वो सामने वाले को देखना पड़ता है कि सामने वाले ने स्ट्राइक देना चाह रहा है या नहीं देना चाह रहा है। पहली स्ट्राइक आती है यूट्यूब के साइड से, वो होती है एक वार्निंग, ठीक है। तो बता रहा है कि भाई ये डेटा आपका कॉपी है, अगर आप डालोगे और सामने वाले ने अगर वार्निंग डाल दी, देखिए मेरे को तो अभी इतनी जल्दी पता नहीं चलेगा ना। मेल जाते हैं, जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड की उसके अंदर कोई कॉपी कंटेंट है तो दो मेल जाते हैं यूट्यूब के साइड से, एक मेरे पास जाएगा एक तेरे पास जाएगा। मेरे पास आएगा कि भाई योगेश ने आपकी वीडियो यूज करी है, और तुम्हारे पास जाएगा भाई तुम मयंक की वीडियो यूज कर रहे हो तो तुम्हारे पास परमिशन है क्या? नहीं। अगर इन फ्यूचर में जाके अगर उसने स्ट्राइक लगाई तो मेरे को स्ट्राइक लगाना पड़ेगी। यूट्यूब केवल पहले वार्निंग देता है, ठीक है। यहाँ पर लिख कर आता है नीचे, यहाँ पे देखो व्यूज आ रहे हैं ना, तो यहाँ कहीं लिख कर ही आता है कि कौन सा लाइसेंस है इसका। वीडियोज का लाइसेंस यही नीचे लिख के आता है, कहीं तो आता है, कहीं यहाँ कहीं लिख के आता था पहले नीचे, कहीं लिख कर आता था, अभी दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पे सर्चिंग में जाएंगे ना तब भी दिखाएगा यहाँ पर। यहाँ पे जाए फिल्टर में जाओ, यहाँ पे आएगा लाइसेंस का ऑप्शन आता है यहाँ पे कहीं, और इन्होंने शायद हटा दिया अभी। ये रहा, आ रहा है। मेरे को केवल क्रिएटिव कॉमन वाली वीडियो चाहिए, तो क्रिएटिव कॉमन पे क्लिक किया, अब क्रिएटिव कॉमन की कोई वीडियो ही नहीं है एम एस राजावर 2998 के नाम पे। लेकिन मैं अभी सर्च करता हूँ वापस से, यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ पे जाके कुछ सर्च कर लेता हूँ ब्लॉगर, कि मुझे ब्लॉग के ऊपर वीडियो डाल ली है, लेकिन मुझे चाहिए कैसी कम्युनिटी वाली, तो क्रिएटिव कॉमन वाली डालूंगा। ये आ गई। अब ये क्या सी है वीडियो, ये क्रिएटिव कॉमन वाली है, अगर इन वीडियो को तू अगर यूज करेगा तो तेरे ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं आएगी, ठीक है, समझा। हाँ देख 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 ये लिख के आ रहा है, देख ये लिख के आ रहा है लाइसेंस, आ रहा है लाइसेंस, क्या लिखा है? रीयूज अलाउड, आ रहा है, ठीक है। मतलब इस वीडियो को आप रीयूज कर सकते हो। ये लोग अब ऐसा ऐसा करते क्यों, ये लोग इसलिए करते हैं भाई, कोई अगर मेरी वीडियो को अगर कॉपी करता भी है तो नाम मेरा हो रहा है, मेरे को सबसे ज़्यादा लोग मेरे को जानेंगे, इसलिए वो लोग क्रिएटिव कॉमन करते हैं, समझे। नहीं, एक्चुअल में वो स्टार्टिंग की वीडियोज़ हैं, तो वो स्टार्टिंग के 4 से 10 वीडियो कॉमन में रखते हैं, जिससे उसकी कोई अच्छी अगर वीडियो को वायरल करनी है तो वायरल कब होगी, गाना कब वायरल होता है, जब उसके कोई स्टोरी बनाता है, स्टेटस बनाता है, रील बनाता है, तभी होते हैं ना फेमस। क्योंकि आदमी को जैसे हिट लाइन मिल गई फेमस वाली, अरे ये लाइन अच्छी है इस गाने की, फिर आदमी जाके पूरा गाना सर्च करता है, फिर जाके करता ना यूज, तो वो स्टार्टिंग। नहीं, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं, पब्लिक में तो पैसा मिलता है, प्राइवेट में पैसा नहीं मिलता, पब्लिक में पैसा मिलता है, ठीक है। नहीं, दोनों में पैसा मिलता है, चांसेस जैसे कॉमन कम्युनिटी वाले में तूने कर दिया तो उसमें चांसेस क्या होंगे, तेरी वीडियो के कॉपीज अगर 100 बन गए तो तेरी तुझे कोई जानते ही नहीं है, और उसने कोई पेड एडवर्टाइजिंग करके अपनी रीच बढ़ा ली, अब सब लोग जब भी सर्च कर रहे हैं तो उसकी वीडियो फर्स्ट नंबर पे आ रही है, तेरी वीडियो दिखाई नहीं दे रही है, तो अब पूरा पैसा किसके पास जाएगा, रेवेन्यू जाएगा पूरा उस वाले वीडियो के पास, तेरे पास आएगा नहीं। तो लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ मेरे को अभी फेमस होना है तो मेरे को अभी ये करना है, क्योंकि जो रियल आर्टिस्ट होता है ना वो तो सर्च करेगा यार ये गाना है किसका, इसका ओरिजिनल यूज़र कौन है। अगर तूने कोई गाना डाल दिया तो आदमी को पता है भाई योगेश को थोड़ी गाना हो सकता है, योगेश ने किसी कॉपी करके डाला होगा, योगेश को ना तो गाना गाना आता है, तो वो क्या करेगा, सर्च करेगा यार इसका ओनर कौन है असली वाला, तो वो सर्च करेगा यार, बोलो यार इसके गाने अच्छे होते हैं, फिर उसको सब्सक्राइब कर लेता है, फिर नेक्स्ट टाइम वो उसी की वीडियो देखता है, समझा। कई बार होता है कि किसी ने वीडियो डाली है उसके अंदर वीडियो भी है गाना भी है, तो आदमी क्या करता है, वीडियो उसकी होती है गाना किसी और का होता है, कई बार गाना किसी और का होता है वीडियो किसी और की होती है, समझा। तो ऐसे ऐसे लिस्ट बनाते हैं ये लोग, मतलब तरीके हैं। अब आ जाते हैं कॉपीराइट को, समझा दिया था मैंने अर्निंग में क्या लिखा है, अननोन यूट्यूब।
योर चैनल इज नॉट अर्निंग राइट नाउ, मतलब मेरा चैनल अभी कोई कमा कुछ भी नहीं कमाता है। वो क्यों नहीं कमाता है? क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। देखो पहले तो इन लोगों ने मना किया है फीडबैक देने के लिए, क्या करना है तुमको और क्या नहीं करना है। अगर आपको रुपए कमाना है तो आपको शॉर्ट वीडियोज़ क्या क्या करना है वो सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। कोई भी आपको किसी की वीडियो उठा के कॉपी पेस्ट करके नहीं डालनी है, परमिशन विदाउट नहीं करना है, वो सारी चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, आप फनी थॉटफुल वीडियो बना सकते हो। ठीक है, वो सारी चीज़ इसके अंदर लिखी है, वो तुम्हें पता है कहीं हमको कंटेंट कैसे रीच करना है। वॉट शुड यू डू नेक्स्ट, अगर आप अब आपको करना है क्या, आपने वीडियो डाल दी, पहले बोल रहा है आपको वीडियो बनानी है, अपलोड करनी है, लेकिन अब इस बनाने के बाद आपको करना क्या है, तो अब वो ये बता रहा है कि ऑप्शन वन है आपको अपील करनी है। ठीक है, अपील इफ़ यू थिंक, ठीक है ये तब है जब आपको कोई अर्निंग नहीं दे रहा है। ठीक है, अभी ऑप्शन टू में ये होता है, इफ़ यू थिंक डैट मेड अ मिस्टेक सबमिट अ अपील, अगर आपने कुछ गलती से मतलब वो चैनल हटा दिया, उसने सस्पेंड कर दिया है, जैसे मेरे को कोई अर्निंग नहीं हो रही है, जैसे मेरे को पहले अर्निंग होती थी लेकिन अब मेरे को अर्निंग नहीं हो रही है, तो मैं यूट्यूब से पूछ सकता हूँ कि भाई मेरे को पहले पैसा मिलता था, अब यूट्यूब से पैसा क्यों नहीं मिलता है। तो वो बताएगा मुझे कि भाई देखो अब प्रॉब्लम यह है क्योंकि उनकी पॉलिसी चेंज हो गई है, और उनकी पॉलिसी चेंज होने का मतलब यह है कि उन्होंने अब ये बोला है कि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। पहली बात तो ये, तो मेरे पास ये वाली तो हो गई क्योंकि मेरे पास 1000 प्लस है, ये वाली टिक हो गई। दूसरा ये बोला है कि आपके पास व्यूज़ होने चाहिए, पब्लिक आवर, मतलब आपकी वीडियोस पे व्यूज़ कितने होने चाहिए, 4000 घंटे। ठीक है, 1 साल के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर आपकी वीडियोस को कम से कम 4000 घंटे व्यूज़ किया हो। ठीक है, तो ये होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या है, या एक तो ये होना चाहिए या फिर ये हो जाए कि आपकी शॉर्ट वीडियो 90 दिन के अंदर 10 मिलियन हो जाए क्रॉस। ठीक है, इनमें से कोई भी, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो तुमको अर्निंग होने लगेगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस ये, उसके बाद ये सब हो जाएगा, उसके बाद तुम रीअप्लाई कर सकते हो अपने यूट्यूब वीडियोस पे। ठीक है, समझ में आ गया? ये पैसा आएगा क्या, कैसे आएगा, तो इसके लिए गूगल का एडसेंस होता है, क्योंकि देख मेरा पहले मुझे अर्निंग होती थी, इसलिए सारी चीज़ें इसके अंदर लिंकिंग है। ठीक है, तो अभी ये सारी चीज़ नहीं दिखाई देगी इसके अंदर मुझे, तेरे को दिखाई देगी, तू देखना अपने चैनल में तुझे कौन सा ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर एड मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आएगा, फिर वो बोलेगा कि भाई आप इसमें अपना गूगल एडवर्ड पे जाके अकाउंट बनाओ, तो आपको जो भी पैसा आता है वो पैसा आएगा कहाँ, ये पूरा पैसा जाएगा एक यहाँ पे एडसेंस के अंदर, गूगल एडसेंस ये गूगल का एक प्रोडक्ट है। तो जितना भी आप कमाते हो वो पूरा पैसा किस में जाता है, गूगल एडसेंस में जाता है। तो गूगल एडसेंस में आपका अकाउंट लिंक हुआ होता है, आपका बैंक अकाउंट, तो जितना भी पैसा है वो मंथली अकाउंट का पैसा उठ के किस में जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अभी मेरा चैनल बंद है तो शायद मेरा अभी चालू नहीं है, बंद करके रखा हुआ है अभी मोनेटाइजेशन वाला, तो अभी चालू नहीं है। तुम बस ऐसे ऐड्स करके चालू कर सकते हो, जैसे चालू कर लिया यहाँ पर, ठीक है यहाँ पे करना है, अलाउ करना है। अभी ये क्या बोला, योर अकाउंट वॉज नॉट अप्रूव्ड, अभी अप्रूव नहीं हुआ है, तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। जब ये अप्रूवल हो जाएगा कि हाँ आप अर्निंग करने के लिए, तब ये चीज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है ना, जब पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट आएगा इस पे। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन आते हैं पेमेंट के लिए, आपको किस अकाउंट में आपको पेमेंट लेना है, किस बैंक अकाउंट में, तो आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स में डालना पड़ेगी, फिर आप से रुपए रिडीम कर सकते हो। इनकी कंडीशन होती है कि वो $100 से कम के रिडीम ये देता नहीं है, आपको कम से कम $100 रुपये होना चाहिए, तब अगर आपने आपके यूट्यूब चैनल से $100 कमा लिए तो आप रुपए निकाल सकते हो, अदरवाइज वो रुपए निकाल नहीं देगा। दूसरी कंडीशन, अब मान चलो तुमने उस पर कमा लिए $20, अब लेकिन अब तुमको यूट्यूब चैनल बंद करना है क्योंकि अब तुम्हारे पास ज़्यादा अर्निंग हो नहीं रही, लेकिन अब मेरा अब इनकी कंडीशन है गूगल एडसेंस की कि हम $100 से कम निकालने नहीं देंगे, तो अब मेरे $20 तो फंस गए यार, मैं निकालूं कैसे। तो उसका दूसरा तरीका यह है, इनकी एक और कंडीशन है दूसरी, कि अगर आप यूट्यूब चैनल बंद ही कर रहे हो अपना, कोई अर्निंग नहीं कर रहे हो, तो आप ऐसा करो, आप यूट्यूब चैनल इसको बंद कर दो, इस चैनल को बंद कर दो, एडसेंस को, इसका अकाउंट डिलीट कर दो। अब मान के चलो तुम्हारे बैंक अकाउंट में, अगर ऐसे मान के चलते तुम्हारे बैंक अकाउंट है जिसकी पॉलिसी है कि आपको 10,000 रुपये अपने अकाउंट में डालने पड़ेंगे, नहीं तो हम आप पे चार्ज लगाएंगे। ठीक है, मतलब 10,000 से आप रुपए रखना ही पड़ेंगे आपको, तो ऐसी इसकी कंडीशन है कि आपको $100 रखना पड़ेंगे। अब लेकिन अगर तेरे अकाउंट में केवल है 5,000 रुपये
और तुझे रुपए निकाल लें, तो क्या करेगा तू? अकाउंट को बंद करवाएगा। तो ये बोला भाई मेरा अकाउंट बंद कर दो, मेरे को 5,000 रुपये मेरे को वापस कर दे। तो सेम कंडीशन गूगल एडसेंस की है। तो गूगल एडसेंस बोलता है कि आप, मैं गूगल एडसेंस को बोलेंगे आप हमारा अकाउंट बंद कर दो और जितने रुपए हैं सब मेरे को वापस कर दो। फिर तीसरी कंडीशन अप्लाई होती है गूगल की, बोला हाँ मैं पैसे आपको दे दूंगा आपका जितना भी है, लेकिन अगर $10 से कम होगा तो मैं पैसे एक भी नहीं दूंगा, और $10 से ऊपर होगा तो मैं पूरे लौटा दूंगा। समझा? समझ में आया? उसकी कंडीशन है अगर आपका $100 क्रॉस नहीं हुआ है और आप पैसे निकाल, तो आपको निकालने हैं पैसे तो आपके $10 से ऊपर होने चाहिए तभी मैं दूंगा। समझे? $10 से कम होगा तो मैं पैसे नहीं दूंगा, आपको एक भी नहीं मिलेगा। समझा? ये जो ऐसा को समझ लो कि बैंक अकाउंट में कंडीशन है कि भाई 10,000 रुपये डले हुए हैं, अगर आपके अकाउंट में 10,000 में 10,000 दे दूंगा, लेकिन जब आपके अकाउंट में 10,000 से कम है तो मैं दूंगा ही नहीं आपको, एक भी रुपये नहीं दूंगा मैं आपको, ऐसा कुछ समझ लो। ठीक है? नहीं इसमें नहीं डाल सकते तुम। ठीक है, आ गया समझ में? फिर आ गया, अब आती चैनल की कस्टमाइजेशन की बात। कस्टमाइजेशन बताता हूँ यहाँ पे, अभी जैसे मैंने डाला यहाँ पे YouTube/ यहाँ रहा है MS Rajavat 298। Do you ever wonder how developers work? ये मैंने अपने चैनल को कस्टमाइज किया है। जब भी मैं YouTube चैनल खोलूंगा तो यहाँ पे ये वाला URL डालेगा, YouTube.com के बाद @MS Rajavat 298 डालूंगा तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा। जैसे नहीं Instagram में अपन Instagram.com और उसके बाद @ करके बाद ये डालूंगा तो मेरा चैनल आ जाएगा, स्लैश ये डाला मैंने। ठीक है, ऐसे ही Facebook में डालेगा तो आ जाएगा। ये मैंने सब कस्टमाइज करके रखा हुआ है। ठीक है, ये बैनर देख रहा हूँ, यहाँ पे बैनर आया, उसके बाद वो सब्सक्राइबर का आइकन आ रहा था, वो क्या होता है, ये आइकन आता है, ये कैसा आता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, कस्टमाइजेशन होता है। तो यहाँ पे कस्टमाइज वाला दिखते हैं, अपन कस्टमाइजेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ दिख रहा है। अभी देख यहाँ पे एक और चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे वीडियो लगी हुई है। ठीक है, ये सबसे पहले यही वाली वीडियो को चालू की, जैसे मैंने लोड किया इसके बाद ये वाली वीडियो चालू हो गई। क्यों हो गई ये वाली वीडियो चालू? क्योंकि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, जब भी कोई पहले चैनल पे आए मेरे, ठीक है, तो उसको दिवाली फर्स्ट वीडियो दिखनी चाहिए। क्या पता उसको दिवाली फर्स्ट वीडियो दिख गई, उसको पसंद आ गई, तो मेरी वीडियो चैनल पे टिकेगा कुछ दिन टाइम तक के लिए वो। ठीक है, तो ये मैंने चैनल का ट्रेलर दिखा दिया। अगर कोई वीडियो मेरे को अनसब्सक्राइब कर रहा है तो उसको कौन सी वीडियो दिखानी है, उस टाइप से ये फीचर सेक्शन। अब देख यहाँ पे देखो, तो यार ये पता नहीं YouTube को क्या हो रहा है। अब देख यहाँ अबाउट में आया, अबाउट में लिख क्या रहा है, लिंक्स। तो लिंक्स कहाँ से लगाई हुई है मैंने? यहाँ से लगाई हुई है। ये वीडियो वाला है, ये वाला, ये जो सेक्शन है यहाँ पे सेक्शन में यार है ना, एड सेक्शन वीडियो, ये चैनल के कौन कौन, ये फीचर सेक्शन है होता है। ये दिख रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं, सेक्शन लिख के आ रहे हैं YouTube, यहाँ वीडियोज़ आ रहा है, यहाँ पॉपुलर वीडियोज़ आ रहे हैं, यहाँ अनदर चैनल, मेरा कोई दूसरा चैनल भी है तो यहाँ पे आ रहा है। अभी जैसे तेरा चैनल कौन सा है, तो मैं उस चैनल का नाम अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ, ठीक है, तो तेरा चैनल यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कौन सा चैनल लगेगा, तेरा दूसरा चैनल आ जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियोज़ आ रही हैं, यहाँ मल्टीपल प्लेलिस्ट आ रही हैं। तो ये प्लेलिस्ट कैसे आ रही हैं, ये यहाँ पे आ रही हैं, देख ये सब लिखा है मल्टीपल प्लेलिस्ट, ये देख मल्टीपल प्लेलिस्ट। ठीक है, ये सब मैंने कहाँ किया है, यहाँ से कस्टमाइज़ किया, ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कस्टमाइज द लेआउट ऑफ योर चैनल होम पेज विद अप टू 12 सेक्शन ऐड कर सकते हैं। अभी 1, 2, 3, 4, 5 हैं। अब मुझे अगर कोई और सेक्शन ऐड करना है, जैसे मैं अभी यहाँ पे ऐड कर लूँ, यहाँ कर लेते हैं अपन सिंगल प्लेलिस्ट कर लेता हूँ एक, ठीक है, और इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं कौन सी ले लूँ, यहाँ पर ये ले लेते हैं अपन। ठीक है, अभी देख सिंगल प्लेलिस्ट आ गई। अभी यहाँ पे देख
अभी यहाँ पे मल्टीपल प्लेलिस्ट दिख रही है, जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा ना तो आ जाएगा, पहले सेव करते हैं अपन यहाँ से, जैसे पब्लिश किया। पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये तेरे ऊपर है, तुझे अपने चैनल में क्या क्या चीज़ें दिखानी है। Do you ever wonder how developers work so quickly? The secret. अभी ये सेव नहीं हुआ क्या? कौन सा किया था अपने? सिग्नल वाला किया था ना? ओके, सिंगल प्लेलिस्ट। हाँ तो ये अभी थोड़ी देर में शायद लोड होके आ जाएगा अभी, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे दिखने लगती है। ठीक है, तो हो गया है, थोड़ा टाइम लेता है ये अपडेट होने में। Do you ever wonder how developers work so? ठीक है, तो ऐसे ऐसे मैंने ये ऐड किया हुआ है, थोड़ा टाइम ले रहा होगा अपडेट होने में। ठीक है, ये हो गई चीज़ें, अभी यहाँ जाते हैं ब्रांडिंग में। ठीक है, ब्रांडिंग में दिख रहा है आइकन लग के आ रहा है पिक्चर, तो ये कैसे आ रहा है? तो यहाँ पे देख मेरी वीडियो देखेगा, तो यहाँ पर ब्रांडिंग में ये कौन सा वाला है, यहाँ पे देखते इट्स रिकमेंड यूज द पिक्चर एट लीस्ट, ये वाला है, दिख रहा है आइकन यहाँ पर, ये वाली ब्रांडिंग है यहाँ पे आता है। ठीक है, अब अरे आइकन तेरे चैनल का आइकन, ये क्या आ रहा है ब्रांडिंग, ये यार आइकन लग के आ रहा है, ये आ रहा है, ये आइकन लग के आ रहा है, ये सारे आइकन ही तो हैं। ये देखिए इसका आइकन आ रहा है, ये इसका ये वाला आइकन आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? ये ब्रांडिंग से आता है। ठीक है, अभी इसके अंदर ये आ रहा है, ये फोटो लग के आ रही है पीछे वाली, ये कहाँ से आ रहा है? ये पीछे बैकग्राउंड लगा है, बैनर इमेज दिख रही है, तो तेरे पहले कैनवा से अपनी बैनर इमेज बनाना पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे देख, मुझे कैनवा नहीं आता बनाना, मुझे चलाना नहीं आता कैनवा, लेकिन मुझे ये बना हुआ है बन गया था, टेम्पलेट मुझे मिला। ठीक है, मैंने केवल कंटेंट चेंज किया है, ये है ना, ये मेरे दिमाग था, ये मैंने दिमाग लगाया है, मेरे को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, मैं इसको ऐसे लगाता हूँ, यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ये बीच में यहाँ पे मेरा ये मैंने एक टाइम पे आइकन लगा दिया, यहाँ पे मेरी फोटो लगी है ना, इस फोटो की जगह पहले ये वाला आइकन लगाता यहाँ पर, तो मैंने ये वाली फ़ोटो को इसमें लगा दिया, अब मैं चाहूँ तो ये वाली फ़ोटो इसमें लगा सकता हूँ। आप बस ये छोटी मोटी जो आइडिया तुझे ऑटोमेटिक आ जाएंगे, और बाकी जब तू खुद करेगा ना, तू लोगों की वीडियो देखेगा, चैनल देखेगा, तो जो सजेशन ऑटोमेटिक आएंगे, बाकी दोस्त वगैरह होते हैं वो लोग भी सजेशन देते हैं, समझा? अभी देख देख ये आ रहा है, ये वाला जो चीज़ आ रही है, तो ये क्या लिख क्या रहा है, एंटायर वीडियो कस्टम स्टार्ट टाइम एंड वीडियो, मतलब क्या है, ये केवल ये वाला जो आइकन है मुझे पूरी वीडियो में दिखाना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये दिखता ही रहे, या केवल एंड में दिखाना है, या केवल मेरे को एक रेंज में दिखाना है, जब मान चलो 30 मिनट की वीडियो है, मुझे 1 से 2 मिनट के बीच में दिखाना है, तो मुझे कस्टम वीडियो इस पर क्लिक करना है, और कितने सेकंड या कितने मिनट में दिखाना है मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेगा तो अपलोड हो जाएगा। बेसिक इन्फो में चलते हैं, बेसिक इन्फो आ रहा था, टू डू समथिंग न्यू डाल दिया, हैंडल ये दिख रहा है, MS 298 दिखा रहा था मैं, यहाँ पे आ रहा है, तो ये कैसे आया, वो यहाँ पे आया। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, यूनिक हैंडलर, हैंडल मतलब ये तू यूनिक बना सकता है, लेकिन तो तेरा चैनल का नाम यूनिक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर यू कैन चेंज, अगर तेरे को पसंद नहीं आ रहा हो तो चेंज करना है, तो तू केवल 14 दिन में ही एक बार चेंज कर सकता है, अगर तूने एक बार चेंज कर दिया तो अगले 14 दिन बाद ही चेंज कर पाएगा। ठीक है, फिर ये रहा तेरा डिस्क्रिप्शन, ये यहाँ पे लिख के आ रहा है, आ रहा है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख के, ये आ रहा है डिस्क्रिप्शन लिख कर। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन हो गया, ये लिंक आ रही है, सब क्या है, ये है सारी लिंक, चैनल कौन से में हिंदी में है, कस्टम लिंक कौन सी है, ये रही कस्टम लिंक है, कस्टम URL, यार है कस्टम URL, ये तो चैनल का URL बन के आ रहा है, ये तो तेरा रहेगा चैनल की तेरी ये ID है। ठीक है, जब भी कोई क्लेम व्लेम होगा ना, जब भी तेरे को कोई स्ट्राइक विस्ट्राइक आई, तो ये अपनी चैनल की ID बताना पड़ेगी, तो यार है चैनल की ID ऊपर लिख कर, तो ये चैनल ID तुझे अपने गूगल को या यूट्यूब वाले को देना पड़ेगी, तब वो इसके ये ID को लेके वो क्या बोलते हैं आगे टेस्टिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो आ जाओ चलो तो हम देखते हैं क्या गलत हो रहा है। ठीक है, एक ये भी लिंक है कस्टम लिंक, अगर तू ये वाली लिंक भी डालेगा तो अभी तुझे मेरा चैनल दिख जाएगा। ठीक है, ये कस्टम लिंक है, अब देख रहे हैं लिंक कितने लिंक ऐड कर सकता है, तो केवल 5 लिंक, 5 से लिंक होती हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से तू और भी लिंक ऐड कर सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पे लिंक क्लिक करा रही है। अब तो यहाँ पे अपनी लगा देना अपनी लिंकडिन की, गिटअप की, जो भी तेरी इंस्टाग्राम वगैरह की, यहाँ पे लिंक लगा देना। ठीक है, जैसे कोई आदमी फॉलो करता है ना किसी को, यार इसके चलो यार इसकी वीडियो अच्छी होती है, चलो देखते हैं इसकी इंस्टाग्राम वीडियो, इंस्टाग्राम पे क्या डालता है, समझा। ऐड लिंक, ऐड लिंक पे क्लिक करेगा, यहाँ पे लिंक आ जाएंगी, डेट करना चाहे डेट हो जाएंगी यहाँ से। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे तूने मोबाइल नंबर डाल दिया, जीमेल आईडी डाल दी, तो यहाँ पे देख तेरी मेल आईडी आ जाएगी। यहाँ पर जब से साइन इन कर लेगा ना तो यहाँ पे दिखाई देगा तुझे मेल आईडी। तो अगर मुझे तुझे मुझसे बातचीत करनी है कि भाई यार आपकी यूट्यूब के चैनल पे आप ये वाली वीडियो डालो, कोई पर्सनल चैट करनी है, तो इस मेल पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब ऑडियो लाइब्रेरी वो तेरे को समझाई दिया कि वीडियो की तू चेंजेस वगैरह कर सकता है, प्लेलिस्ट वगैरह, गाने वगैरह। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारी ऑडियो हैं तो चेक कर सकता है। फिर मान चलो तुझे चेक करना है कि मुझे नेक्स्ट आएंगे, तूने यहाँ पे फ्री टाइम पे तूने कर ली, ये मेरी फेवरेट है, ये फेवरेट सॉन्ग है, अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई सॉन्ग लगाऊंगा, ठीक है, और मुझे कुछ सॉन्ग, हाँ तो ये दिख जाएगा। यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स हैं, यहाँ देख लेना सारे क्या क्या हैं सारी। स्टार्टेड वाले में स्टार्टेड में आ गए, ठीक है, स्टार्ट में अभी अपन ने स्टार्ट किया। अब आ जाए सेटिंग पे, जो अपनी बात करेंगे ना अपन लोग कि वो ऑटोमेटिक डेटा कैसे फिल हो क्या रहा था, स्टार्टिंग बताया था, वीडियो अपलोड कर रहे थे ऑटोमेटिक डेटा आ रहा था, वो सब यहीं से आता है। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूनिट, अभी जैसे अपन तो जो इंडिया में कमाएंगे तो इंडिया में दिखनी चाहिए हमको रुपए, तो INR कर रखा हुआ है। चैनल यार इंडिया कर दिया। कीवर्ड्स क्या डालने हैं, यहाँ से कीवर्ड्स ले लेगा ऑटोमेटिकली, जब भी कोई वीडियो डालेगा ये वाले कीवर्ड ऑटोमेटिक आ जाएंगे। एडवांस सेटिंग में जाएगा, तो यहाँ पर क्या एडवांस सेटिंग में तुझे क्या क्या चेंजेस करना है वो यहाँ से ले सकता है तू। फीचर एलिजिबिलिटी, जब तू देख लेना तेरे में कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है ओपन है, ठीक है, और कैसे अनेबल होंगी, तुझे कुछ नहीं करना, अगर तुझे ये वाला फीचर अनेबल करना है, तुझे वीडियो अपलोड करनी है, प्लेलिस्ट क्रिएट करनी है जो कि तूने कर ली है, कॉलीवुड प्लेलिस्ट ऐड नहीं हो वीडियो, तो तेरा ये वाला फीचर चालू होगा तेरा। ठीक है, इंटरमीडिएट, ये क्या बोला, अगर अभी तू 15 मिनट की वीडियो नहीं डाल सकता होगा, ठीक है, तो तुझे जैसे अपना तू मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेगा ना, तो तू 15 मिनट से ऊपर की वीडियो अपलोड कर सकता है। ठीक है, एडवांस फीचर, तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे, कुछ हैं वो सब देख लेना। जब अगर तू लाइव स्ट्रीम करेगा, तो जैसे मैं लाइव आता था इसलिए मेरे को ये चीज़ अलाउ है, तेरे में ये वाला फीचर भी अलाउ नहीं होगा। ठीक है, अपलोड डिफॉल्ट, अपलोड डिफॉल्ट जा गए, अपलोड डिफॉल्ट, जब भी तू वीडियो अपलोड करेगा तो डिफॉल्ट उसका टाइटल क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, उसकी प्लेलिस्ट क्या होनी चाहिए। जैसे मैंने प्लेलिस्ट अभी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट करके रखी हुई है, जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ प्राइवेट हो जानी चाहिए वो। एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग में किस जगह का है लाइसेंस, कौन सा करना है, क्रिएटिव कॉमन करना है, कौन सा लाइसेंस, तो इसलिए मेरी ऑटोमेटिक सारी वीडियो कहीं में जाती है, स्टैंडर्ड में जाती है, कौन सी कैटेगरी में जाती है, पीपल ऑफ ब्लॉग में जाती है, एजुकेशन में करना है एजुकेशन में कर लो, ठीक है, तेरे ऊपर है, समझ में आ गया। कमेंट, कोई तेरी वीडियो पे कमेंट कर पाए या नहीं कर पाए उसके लिए अलाउ करना है, हाइड करना है, डिसेबल करना है, डिसेबल मतलब कोई कमेंट ही नहीं कर सकता तेरी वीडियोस पर, समझा। आगे बढ़े, परमिशन, यहाँ परमिशन, अरे परमिशन क्या है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है इस चैनल को परमिशन किस किस को है, इस चैनल को एक ये एक्सेस कर सकती है, ये एक्सेस कर सकती है, ठीक है, हाँ एक्सेस मतलब ये मैनेजर बना दिया, मैनेजर का मतलब यहाँ पे सारी चीज लिखी हुई है, मैनेजर का मतलब वो कुछ भी कर सकती है, वीडियो बना सकती है, एडिट कर सकती है, अपलोड कर सकती है, कुछ भी। अगर मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैंने किसी को एडिटर बना दिया, तो एडिटर केवल वीडियो क्या बोलते हैं वो सारी चीज़ देख सकता है मेरे चैनल की, लाइव भी जा सकता है वो सब, एडिटर, सब एडिटर, व्यूअर, जैसे नहीं यू अपना वर्डप्रेस के अंदर एक्सेस था वो क्या क्या कर सकता है, उस टाइप से एक्सेस है। अगर व्यूअर कर दिया, हाँ तुम्हारे जैसे अभी तेरे को मेरे को जैसे तेरा यूट्यूब चैनल है, तेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुझे देना है, तुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाके MS-298 मेरी मेल आई डाल दिए, और जहाँ पे एक्सेस देना है, कौन सा एक्सेस, यहाँ पे तेरे को पढ़ लेना है केवल, अगर उसको अपलोड का ऑप्शन देना है कुछ नहीं, यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे स्विच अकाउंट आ रहा है, तो यहाँ पे ये दूसरे का चैनल आ रहा है, हाँ यहाँ पे, हाँ तेरा चैनल यहाँ पे आ जाएगा, हाँ ठीक है। अभी मैं इस वाली मेल आईडी से ये दोनों चैनल एक्सेस कर पा रहा हूँ,
ठीक है। ओके कहाँ थे अभी, सेटिंग में, परमिशन में, ठीक है, इनवाइट में। देखो समझ में आ गया कैसे इनवाइट देना, कौन सी परमिशन क्या है वो तुझे यहाँ पे पढ़ना है। जैसे मुझे देना है केवल व्यूअर की परमिशन देनी है, केवल वो मेरी जितनी वीडियो देख सकता है लेकिन डिलीट नहीं कर सकता, उसमें कोई सेटिंग चेंज नहीं कर सकता। जैसे मैंने कोई वीडियो पब्लिक की है तो वो प्राइवेट कर दे या डिलीट कर दे, एडिट कर सके, कुछ भी नहीं कर सकता, केवल व्यू कर सकता है, ठीक है। जैसे मान चल तू कोई कोचिंग सेंटर चलाता है, तो कोचिंग सेंटर चलाता है तो चाहता है कि मैं केवल वीडियो मेरी मेरा मेरा ही स्टूडेंट केवल देख सके और कुछ नहीं कर सके। तो मुझे उस स्टूडेंट की मेल आईडी यहाँ पे ऐड करनी है, और ऐड करने के बाद उसे बस फिर वो वीडियो मेरी देख सकते हैं। अगर उसने मेरी फीस दी होगी तो मेरी वीडियो देख पाएगा, तो भाई नहीं देख पाएगा वो, ठीक है। बस ये कम्युनिटी वगैरह है, मान के चलो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो तुझे रिमूव करना है, कुछ ऐसे यूआरएल हैं जो तेरे पे कोई कमेंट करे तो नहीं होने चाहिए वो, तो इसको अभी जाने देते हैं, इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। प्रमोशन, मान के चलो अभी तुझे अपने ही यूट्यूब चैनल का प्रमोशन करवाना है। जैसे तेरी कोई वीडियो है, तेरी वीडियो का ऐड किसी और वीडियो पर ऐड आए, समझ रहे हैं, बीच बीच में आते हैं ना वीडियो में ऐड आते हैं, तो ऐसे ऐड दिखाना है। तो ये गूगल एडसेंस एक अकाउंट है, तो यहाँ पे तुझे पैसे देने होते हैं, गूगल एडवर्ड है, यहाँ पे तेरे को पैसे देने होते हैं, ठीक है। तो फिर वो यूट्यूब पे दिखाई देता है, एग्रीमेंट है यहाँ पे, बस ख़त्म, इतना ही है। फिर सेंड फीडबैक, मान के चलो जैसे तेरा चैनल है इस मतलब यूट्यूब में चलाने में कोई दिक्कत आ रही है कि भाई मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, यहाँ से कैप्चर किया और मुझे, अरे यार आजा भाई, यहाँ से अलाउ कर दिया, ठीक है। अलाउ करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मुझे ये फ़ोटो खींच लिया उसने, और मुझे यहाँ पे यार कि यूट्यूब वाले से बोल रहा हूँ कि मेरा ये चीज़ सही नहीं चल रही है, और यहाँ पे अप्लाई करके मेल कर दो। तो यूट्यूब वालों के पास मेल जाएंगे, यूट्यूब वाले फिर तुमसे बातचीत करेंगे और बोलेंगे हाँ बताओ क्या दिक्कत आ रही है, वो तुम्हारी सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक और बता देता हूँ, यहाँ क्रिएट का ऑप्शन आता है, क्रिएट पर यहाँ पे देखो पता ही, यहाँ पे वीडियो अपलोड कर सकता है, लाइव जा सकता है, पोस्ट बना सकता है, पहले सुना सकता है, पॉडकास्ट कर सकता है। पॉडकास्ट मतलब एक टाइप से ऑडियो होती है केवल, ठीक है, वीडियो के ना वीडियो नहीं होती, बस केवल ऑडियो चल रही होती है बैकग्राउंड में, ठीक है, समझ में आ जाएगा तुझे। FM रेडियो जैसा होता है, यहाँ से अपनी कोई चैनल पे कोई वीडियो तो सर्च करना चाहता है, वीडियो सर्च कर सकता है, ठीक है। एनालिटिक्स देख सकता है यहाँ पे, देख कंटेंट के अंदर जाके एनालिटिक्स देखेगा तो वो देखो पर वीडियो के हिसाब से दिखाएगा, और एनालिटिक्स बाहर आके देखेगा डैशबोर्ड के पैरेलल में आके, तो वो तुझे वो पूरे चैनल की प्लेलिस्ट की वो दिखाएगा कि तेरा चैनल कैसा ग्रोथ कर रहा है। अभी जैसे कि देखें अपन तो लास्ट 28 दिन के अंदर मेरे पास 1.6K व्यूज़ आए हैं, इतने वॉच आवर मिले हैं मुझे, सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया है लास्ट उसमें 28 दिन के अंदर, ठीक है। सबसे ज़्यादा वीडियो कौन सी चल रही है टॉप पे, ये वाली वीडियो चल रही है, ठीक है, उसके बाद ये चल रही है, तो यहाँ पे सारी चीज़ दिखाते हैं। तो अगर ये वाली वीडियो सबसे ज़्यादा टॉप पे चल रही है, मतलब मुझे इस टाइप की वीडियो डालनी है, समझ गया, गॉट इट। यहाँ पे तू और भी सी मोर करेगा ना, तो यहाँ पे सी मोर में देख सकता है तू कौन सी प्लेलिस्ट देख, यहाँ पे कंटेंट क्यों हिट हुआ था सबसे ज़्यादा, कितने बजे हिट होता है कंटेंट, कितने बजे ऊपर जाता है, मीन्स कुछ स्पेसिफिक टाइम है। जैसे मेरे सारे यूजर हैं वो कितने बजे देखते हैं, 12 बजे देखते हैं रात में, है ना, कि 2 बजे देखते हैं, मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा देखते हैं, तो मैं उसी टाइम पर वीडियो अपलोड करूँगा। मान के चलो मेरे यूज़र्स हैं, ठीक है, और 100 यूज़र्स हैं, 100 सब्सक्राइबर हैं, और 100 में से 80 सब्सक्राइबर मेरी 9 बजे सुबह वीडियो देखते हैं, तो मैं सुबह 9 बजे ही वीडियो डालूंगा। अगर मैं अपलोड करूंगा, अपलोड करते ही उन लोगों ने मेरी वीडियो देख ली तो मेरी 20 रैंक कर जाएगी वीडियो, ठीक है। ये ओवरव्यू होता है कंटेंट के हिसाब से, देखना चाहे तो कंटेंट के हिसाब से यहाँ पर दिखाएगा, जैसे बंदे ने क्या वीडियो सर्च की थी तो कैसे उसको मिला। सजेशन में वीडियो सबसे ज़्यादा वीडियो कब दिखाई दी, जैसे लोगों ने यूट्यूब ने सजेशन में वीडियो दी होगी तो सबसे ज़्यादा वीडियो दिखाई दी। यूट्यूब पे किसी ने सर्च किया तो इतने परसेंट, किसी ने ब्राउजिंग सर्च फीचर्स किया, इस टाइप से सब दिखा रहा है, ठीक है। सेम और पे क्लिक करेगा और डिटेल्स में मिल जाएंगी तेरे को यहाँ पे। शॉर्ट्स देख सकता है, शॉर्ट्स में कितने व्यूज़ आ रहे हैं, लाइव पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, पोस्ट में कितने आ रहे हैं, ऑडियंस कहाँ की है, तो ऑडियंस में देख सकता है तू यहाँ पे, ठीक है। ऑडियंस कहाँ की, ज्योग्राफी का सबसे ज़्यादा इंडिया के दिख रहे हैं और बांग्लादेश वाले लोगों दिख रहे हैं मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी का देख सकता है, इंडिया और बांग्लादेश के लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर मैं पूरी लाइफ टाइम में देखूँ अपनी लाइफ टाइम में सब व्यूज़ कहाँ कहाँ से आते हैं,
आजकल केवल इंडिया और लास्ट 28 दिन में इंडिया और केवल कहाँ से देख रहे हैं, बांग्लादेश से। लेकिन लास्ट लाइफ टाइम अगर मैं देखूँ तो मुझे इंडिया में भी देखा जाता है, साउथ अरेबिया वाले भी देखते हैं, पाकिस्तान वाले भी देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, फिर किंगडम है, फिर यहाँ यहाँ सबसे इतने स्ट्रीम में देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर तू टारगेट कर सकता है, यार मेरी ऑडियंस तो सबसे ज़्यादा इंडिया में है तो मैं केवल इंडिया को टारगेट करूँगा, इंडिया के हिसाब से इंडिया में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, किस टाइप से बोली जाती है, किस सिटीज़ में, सिटीज़ के हिसाब से देख, सारी चीज़ें इसमें डीपली दिखाएगा तुझे। ठीक है, व्यूअर एजेस, एज मतलब कि कौन सी एज वाले सबसे ज़्यादा मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैं अगर मेरे को कल एडवर्टाइजिंग करनी है अपनी वीडियोज़ की तो मैं एडवर्टाइजिंग किस बेसिस पे कर सकता हूँ, सबसे ज़्यादा 18 से 24 साल के लोग बाग देखते हैं मेरी वीडियो, समझ आया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे तो देख सकता है कि सबसे ज़्यादा मैन देखते हैं, वुमेन देखते हैं, सबसे ज़्यादा मेल सबसे ज़्यादा वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे तो कंपेयर कर सकता है, रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेता है, तो ये थोड़ा एनालिसिस वाला पार्ट होता है। तो ये पहले तो अभी वीडियो डालता रहे, थोड़ा थोड़ा अपने जितना हो सके एनालाइज करते रहो, उसके बाद इसके लिए क्या एक अलग से अपन आदमी वगैरह कोई लड़के हायर कर सकते हैं जिसको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज हो, उसको अपन डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है, उसको अपन बोल सकते हैं भाई तू मेरे चैनल को एनालाइज कर, एनालाइज मतलब वो एनालाइज करेगा, अपना दिमाग लगाएगा, सोचेगा यार ये वीडियो कैसे रैंक करानी है, वो सारी चीज़ करके फिर वीडियो वो चला सकता है, समझा। यहाँ पे कीवर्ड्स भी लिख कर आते हैं कि किस वीडियो में मतलब क्या आदमी ने क्या वीडियो पे सर्च किया था, तब जाके वो सर्चिंग में आई थी। ठीक है, आता है यार इसमें कहीं ऑप्शन आता है शायद, एडवांस मोड है, ट्रैफिक सोर्स, कंटेंट टाइप, यहाँ कहीं आते हैं कीवर्ड्स आते हैं, वो शायद वीडियोस के अंदर आएंगे कीवर्ड्स शायद। कहीं होता है अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो कीवर्ड्स पता चल जाता है कि लोगों ने क्या कीवर्ड सर्च किए थे और किस कीवर्ड से सर्चिंग में आदमी नहीं आए थे, जैसे आदमी ने क्या डाला था ये वाली वीडियो आने के लिए क्या डाला था उसने, ठीक है ना, तो मेरी वीडियो आई सर्चिंग में, आजकल लोग क्या सर्च कर रहे हैं उस हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं, समझाया। ठीक है, तो बस अभी इतना सा थोड़ा कस्टमाइज कर ले तो इससे तेरा यूट्यूब की प्रैक्टिस हो जाएगी और कैनवास की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर अपन नेक्स्ट आगे जाएंगे। ठीक है, जितना तो जब